हाय कल्पना जी। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। कोई आया नहीं। हाँ दीदी, अभी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं और हमारे ट्रेनर भी जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा थोड़ा देर में कुछ और लोग जुड़ जाएं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ दीदी, हम जुड़ रहे हैं, लोग सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी है 5 मिनट। हाँ, बंगलोर से आज एक ट्रेनर जुड़े हैं, अच्छा, अभी जुड़े जुड़ भी चुके हैं वो, तो अभी थोड़ा सा और हो जाए। बहुत प्रैक्टिकल जानकारी आज 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 मधु दी, दोनों बहुत अच्छे से सुनिएगा। दोनों संगठन कैसे खड़ा करें उसके दोनों बहुत बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अच्छा। आप कहाँ पे हैं? गया में।
अभी तक गए ना? अभी तक मतलब कल ले तो आए हैं। अरे कहने का मतलब जब पैकिंग करा रही थी तो फिर अभी पैकिंग पूरा नहीं हो रहा है, अभी बस मतलब करा करा के उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा बताइए, गया घूमबो नहीं किए और ट्रांसफर हो गया। आइए ना, आजे आ जाइए, कल आ जाइए। आपके जैसा थोड़ी चक्का लगल है। नहीं ऐसा बात नहीं है, गया तो हम जाते ही रहते हैं, बोध गया आश्रम जाते हैं। सच पूछिए तो अब कोरोना आदत बना दिया है घर में रहने का। हाँ बाहर निकलिए तो अजीब सा डर जैसा बैठ गया, अच्छा ही नहीं लगता। जहां जरूरी है वहां तो निकलते ही हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है तो निकलना। भाई इतना काहे लोगों को बोलना पड़ता है, हमको यही समझ में नहीं आता। जबकि ये प्रोग्राम में हर बिजनेसमैन को बहुत फायदा है, ये तो अक्षरश सत्य है। और सभी ट्रेनर एक से एक हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के नहीं, बहुत नहीं। और जैसे कि अब अकाउंट्स वो रोजमर्रा के जिंदगी में भी काम आता है ना, और हाँ आप हाँ बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अकाउंट्स अगर नहीं जानिएगा। एक बार वो ग्रुप में लिखिए ना, वो ट्रेनर ग्रुप में लिखिए ना। अच्छा लिख दो, अकाउंट्स नहीं जाने हमको सबसे अच्छा वॉइस मैसेज देना, जल्दी से बोल दे। अकाउंट्स नहीं जानिएगा आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स कैसे क्या पे करना वो नहीं समझिएगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। जो सिस्टम अब सब हम लोग देख रहे हैं ना, कितना तेजी से बदल रहा है। अब अभी जैसे बैंक से आप सेविंग अकाउंट से 4 बार से 5वां ट्रांजेक्शन करते हैं आपको 45 रुपीज कट जाएगा। तो ये चीज अगर आप अप टू डेट नहीं होते हैं तो घाटा आपको है। और एसोसिएशन भी बहुत मतलब आप पर्सनल जब विकसित होइएगा, पर्सनल जानकारी आपकी बढ़ेगी हर तरह का सब कुछ, तभी आप लोगों को संभाल पाएंगे। एसोसिएशन को आप बाद में रखिए ना, पहले हम बिजनेस वुमेन हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे संभालेंगे ये ट्रेनिंग में ये सबसे पहले बताया जा रहा है। ये तो हम शुरू से रोज दिन कह ही रहे हैं कि आपको पर्सनल पूरे व्यक्तित्व तो ही बदलेगा, पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है ये। ये जानना तो सबसे जरूरी है ना। आप बिजनेस में बिजनेस एक दुकान ले लिए खोल लिए उससे थोड़ी होता है, सब कुछ जानना आपको बहुत जरूरी है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे अच्छा है। कितना इजी वे में, चाहे वो भी मैडम भी जो समझाई घर बैठे लोग सुन रहा है समझ रहा है। कितना अच्छा से वो जो एक्सप्लेन की उसको अगर हम समझ लेते हैं तो किसी भी संस्था को समझने में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी संस्था के लिए। या फिर जितना कल अकाउंट्स का बात क्लियर किए, थोड़ा सा ग्रुप में लिखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब एक साथ गुड आफ्टरनून। ऐसे में गुड मॉर्निंग 24 आवर्स का होता है, जब हम पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग हमेशा होता है। चाहे हम लोग 14 लोग तो आ गए हैं। हमारे ट्रेनर रवि शंकर जी बंगलोर से भी जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं, और आज का बहुत ही अच्छा आप लोग को लगेगा। दोनों के दोनों ट्रेनर हमारे संगठन खड़ा कैसे करें उसको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। एक जो है रवि शंकर जी का इंट्रोडक्शन अभी 1 बज गया है, अभी वो खुद देंगे, और थोड़ा सा कुछ और लोग जुड़ जाएं तो 1 से 2 रविशंकर जी हैं और 2 से 3 विभास जी हैं,
विवास जी कोशिश कर रहे हैं, वो पुणे में किसी तरह से जागृति फाउंडेशन को चला रही हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका थोड़ा मैडम का तबीयत खराब है, तो हो सकता है कि वो उस बीच में जुड़ भी जाएंगी, हो सकता है कि नहीं भी जुड़ पाएंगी, लेकिन विभास जी रहेंगे। और हमारे साथ जो है रविशंकर जी जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग तब तक इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी का, बहुत खुशी की बात है आज एक घंटा हमारी इनसे बात हुई, और मतलब इन्होंने 5 मिनट में मुझे समझ लिया कि हम लोग क्या चाहते हैं और किस चीज का ट्रेनिंग है। और इन्होंने जो वर्ड बोला वो आप लोग सुनिए, ममता मधुदी आप लोग सुनिए, इन्होंने कहा कि मैडम आप जो चाह रही हैं ये तो 1897 की क्रांति टाइप से बिहार में आएगी अगर ये हम लोग सब कर सके तो। तो अब बहुत स्वागत है रविशंकर जी का, अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और ओवरऑल जो जो पॉइंट जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा हट के भी आप लोग को थोड़ा मोटिवेशन और लीडरशिप का महत्व और टीम का महत्व, तो ये सब भी थोड़ा सा मैंने इनको कहा कि थोड़ा थोड़ा उस पर भी बोलिएगा, क्योंकि ये हम टीम ही खड़ी कर रहे हैं, टीम हमारी मजबूत होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो स्वागत है रविशंकर जी का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हम लोग को हमारी मतलब गुरु और माता जी लोग सिखाई हैं कि सबसे पहले नमस्ते करने का। और हम देख रहे हैं कि जो बोलते हैं ना विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और एक क्रांति हम देख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरे से जितने भी बड़े हैं अपना आशीर्वाद दे मुझे, और जो हम हैं आप लोगों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार। और हम बिहारी हैं, आपको हम बताना चाहेंगे हम बिहारी ही हैं और हम बैंगलोर में सेटल्ड हैं, और हमारी जर्नी के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बिहार से जुड़ा हूं क्योंकि मैं अपने भाई छोटे भाई की शादी में आया था, और कल मेरी मीटिंग शहनवाज हुसैन जी से भी है जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो उनसे पटना में मेरी मुलाकात भी है। तो ऑल ऑफ अ सडन स्वाति जी का कॉल आया, कल्पना जी का कॉल आया, तो मैंने बोला कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आईफोन वाली जो मैम है उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके पीछे मैंने एक तस्वीर देखी है श्री श्री रविशंकर जी का। जी तो हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और श्री श्री रविशंकर जी को भी मेरा नमन है क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से मैं भी एक समय जुड़ा था। अभी चूंकि टाइम नहीं मिल पाता है तो उनको टीवी पे वर्चुअली देख लेता हूँ, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग का कनक पूरा बैंगलोर के सेंटर में भी मैं गया हुआ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ हर एक स्क्रीन को, तो मैंने आपके बात को सुनते हुए देखा कि उनका है, तो उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरा भी नाम रविशंकर है, लेकिन मैं लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग से एक बार जुड़ जाता है वो हमेशा जुड़ा रहता है, गुरु उनको कभी छोड़ते नहीं है। गुरु दिख गया ना मैम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु हमेशा साथ रहते हैं जी, और आप जो कर रहे हैं वो गुरु के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं, वही जुड़े हुए होना हुआ। गुरु कहते ही हैं कि जितना सेवा करो उतना मैं तुम्हारे पास हूँ। बिल्कुल। तो हम अब सेशन को शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो कल्पना मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और काफी अच्छा काम कर रही हैं, और इसको समझने की भी बहुत बहुत जरूरत है। हम थोड़ा इंग्लिश का वर्ड अवॉइड कर रहे हैं चूंकि सब लोग हम भी कंफर्टेबल हिंदी में ही हैं, भोजपुरी में भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्शंस नेटवर्किंग पार्टनरशिप, राइट। इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, बिकॉज मैं एक स्टोरी टेलर भी हूँ, मुझे कहानियां बहुत पसंद है। और कहानी से शुरू करेंगे, उसके पहले ये बताना चाहूंगा किसी भी गेम को जीतने के लिए पहले उस गेम को खेलना आना चाहिए, और उस गेम को खेलने के लिए आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टू विन अ गेम यू शुड नो हाउ टू प्ले अ गेम, एंड टू नो हाउ टू प्ले अ गेम यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम, राइट।
तो रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एक घंटा जो है हम लोग उसका कितना मैक्सिमम यूज करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैं जो हूँ पहले 5-7 मिनट अपने बारे में बात करूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्या जर्नी रही है और मैं क्या आउटपुट दे सकता हूँ आप लोगों के साथ जुड़ के और इस सेशन में भी, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ मैं बात करूंगा कैसे ये जो भी उद्यमी जो एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात करता हूँ, तो एक ओवरऑल आप लोगों के सामने पूछूंगा सवाल, आप लोगों को कुछ शेयर करूंगा स्क्रीन भी, आप लोगों को बताना है, किसी इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताऊंगा जो हमारे बिहार से ही है, उन लेडी के बारे में, उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, तो वो सारी चीज हम आगे करेंगे। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस बोलते हैं ना, हाउ इज द जोश, तो हाय, तो आप हाय लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स। बहुत बहुत बढ़िया, प्रियंका जी ने यस लिखा है, मैं कमेंट भी रीड करूंगा। रितु जी ने लिखा है यस, हाय रश्मि जी, वेरी गुड। सब लोग लिखिए क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा आज, मैं लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आज सारे लेडीज हैं तो देविया बोल सकते हैं, तो सब लोग यस लिखेंगे। मैं हाय सर, सर नहीं बोलिए, मैं बहुत बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने में। रुमा वर्मा जी बोल रही हैं हाय, राखी जी बोल रही हैं हाय, तो बहुत बढ़िया हाय है। और मैं आप लोगों के लिए क्लैप करना चाहूंगा, इसलिए क्लैप ये जरूरी है क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा चीज होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का हिंदी विश्वास होता है, बिलीव, तो विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है। और आप लोग जितने भी 22, 25 और 30 लोग हैं, उन्होंने इस संगठन और जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है उस पे विश्वास किया है, साथ ही साथ आपने मेरे पे विश्वास किया है, एंड ट्रस्ट इज अ फीलिंग, तभी आप इस सेशन में हैं, तो उस विश्वास के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। सो ट्रस्ट इज अ फीलिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और अगले एक घंटे बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी, ये भी एक विश्वास है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो मेरी जर्नी में आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम रविशंकर कुमार है, मैं बिहार के आरा से हूँ, आरा बिहिया से हूँ, और मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेजेस सब मैं पटना से किया हूँ। 2009 में मैं बैंगलोर चला गया था क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ, एंड 2009 आई वॉज बैक टू बैंगलोर फॉर सम मिशन कि मैं कुछ करना चाहता था। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिया, सब में रिजेक्ट, सब बोलते थे कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं कोई एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता था। और मुझे वो भी याद है 6 बजे, अगर आप लोग आपके बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, सब लोग सब बच्चों को पोगो चैनल पसंद होता है जिसपे छोटा भीम आता है, 6 बजे पोगो चैनल पे। तो मुझे याद है बैंगलोर में मैं शाम को अपनी अंग्रेजी ठीक करने के लिए 6 बजे छोटा भीम देखता था और आप लोगों की तरह नोट्स पेन और पेपर से लिखता था और उसको मिरर आईने के सामने में प्रैक्टिस करता था ताकि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। और गेस व्हाट, हुआ भी ऐसा, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, और वो भी किसका, बैंक का, वो भी कौन से बैंक का, कोई इंडियन बैंक नहीं, लंदन की बैंक का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वाज माय फर्स्ट सक्सेस। और मैंने एज एन एग्जीक्यूटिव वहां ज्वाइन किया, तो मेरी जर्नी शुरू हुई। और आपको तो पता है बिहारी कितने मेहनती होते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे मैंने काम किया, मुझे 2 साल में प्रमोशन मिला, मैंने टीम लीडर तैयार किया, तो लीडरशिप भी मुझे बहुत पता है, मैं सर्टिफाइड टीम लीडर हूँ, जो कि एक कंपनी है ऑन ट्रैक, उसने मुझे सर्टिफाइड टीम लीडर बनाया है, 5 स्टार में 4 स्टार मुझे मिला हुआ है, तो वो हुआ। उसके बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैं मैनेजर बना, और 2017 में मैं बैंक छोड़ दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक अपना अलग एम्बिशन था, तो मैं ब्रांच मैनेजर था, बैकअप ब्रांच मैनेजर, बैंगलोर में ही छोड़ दिया। फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया सीखने के लिए कि काम कैसे होता है, स्टार्टअप कैसे फंक्शन होता है, वगैरह वगैरह, वो 8 महीने के लिए था। बीच में मैंने एक कोर्स किया जिसका नाम था लीन सिक्स सिग्मा, तो मैं लीन सिक्स सिग्मा में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने 55 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में किया है और अब्रॉड में किया है। उसके बाद मुझे बाहर से अब्रॉड से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं दुबई,
ओमान, बहरेन और कतर, चार कंट्रीज में बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट था। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ 55+ प्रोजेक्ट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आवाज बिल्कुल क्लियर है अंजना, आप अपना ठीक कीजिए। आप अपना ठीक करिए, सर का अच्छा आ रहा है, आवाज क्लियर है। ओके, तो मैं चार कंट्रीज को देखता था। पहला तो ओमान, जो कि मस्कट, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, दुबई, बहरेन, कतर। आई हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सब घूमा हुआ हूं मैं। और फिर 2019 में मैं ब्रह्म कुमारी का आपने नाम सुना होगा, तो उससे मैं जुड़ गया था। हाँ, तो उससे मैं जुड़ा था क्योंकि मैं फॉरेन में अकेला था और अकेला बहुत, तो मैं उस संगठन से जुड़ा और मुझे बहुत चीज सीखे मिली। मैंने डिटैचमेंट सीखा, मैं रोता था फॉरेन में, तो फिर वापस मुझे लगा कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो 2019 के सितंबर में मैं इंडिया आ गया। मैं 2 अक्टूबर को अपनी कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन उस दिन छुट्टी था, गांधी जयंती। सो 3 अक्टूबर को मेरी कंपनी मैंने बनाई बैंगलोर में, और जिसका नाम है जिंगेजेस। जिंगेजेस जो कि एडुटेक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे बायजूस वगैरह है। और मैं बिहार के लिए अभी काम कर रहा हूँ और मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी है, और 18-19 महीने की कंपनी हो गई, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये मेरी जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के बारे में, आप लोगों से। तो इसमें मैंने बहुत चीज सीखा है। तो हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आदरणीय तुल्य महिलाएं जितनी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे निवेदन है कि पहला तो जब आप कोई भी बिजनेस करती हैं तो उस बिजनेस में उतार और चढ़ाव होता है, मतलब सॉरी, अप्स एंड डाउन्स। थोड़ा मैं इंग्लिश का यूज करूंगा, थोड़ा पार्डन मुझे माफ कीजिएगा, आई एम नॉट सो यूज टू, क्योंकि बाहर जाने के बाद मेरी हिंदी थोड़ी वो हो गई है, तो उसके लिए मैं इसमें कोई बात नहीं है, सभी हाईली एडुकेटेड महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। लवली, तो हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी आप अपना बिजनेस करती हैं या आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करती हैं, तो आप पहाड़ चढ़ती हैं। तो जब आप पहाड़ चढ़ती हैं, या तो आप ऊपर जाती हैं या तो आप नीचे जाती हैं, खड़े ही नहीं रहती हैं। सो कोरोना, जो कोविड है, वो हम लोगों को नीचे डाला है रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। अब रेट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांकने के लिए कि कहां हम गलत हैं, प्लान बनाने के लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बस बैठे रहें चुपचाप, इसमें हम बहुत अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, अपनी टीम को बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, इधर यू आर गोइंग अप और यू आर गोइंग डाउन, यू आर नॉट स्टैंड स्टिल। तो हम लोग जो है अभी नीचे हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा हम लोग जो है ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर बढ़ेंगे और अपना आगे करेंगे। बहुत लोग इसी बिजनेस में, सब अच्छा है। और हम लोग लास्ट में 5-10 मिनट इस सेशन में रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो उसके मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। अब एक स्टोरी, एक सवाल आप लोगों से मुझे पूछना चाहता हूँ कि जंगल का राजा कौन है, हु इज अ किंग ऑफ अ जंगल? शेर, लायन। लायन क्यों? Why? वो बहुत मजबूत होता है सर, दिमाग से भी और शरीर से भी। तो दिमाग से तो मजबूत लोमड़ी होता है, उससे ज्यादा चालाक तो कोई जानवर ही नहीं है, और शरीर से तो हाथी होता है, शरीर से तो हाथी से तो मजबूत कोई है ही नहीं। दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है शेर सर, दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है शेर। अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैम का नाम क्या है? अंजना कुमारी। अंजना मैम, आपको कल्पना मैम एक चॉकलेट देंगी मेरे तरफ से। सर, जी जरूर सर, लास्ट दिन देंगे सर। शेर के पास ना ताकत भी है और दिमाग भी है, दोनों चीज एक साथ है। हाथी के पास ताकत है और लोमड़ी के पास चालाकी है, तो इसके लिए वो लोग राज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, ये मैडम को भी चॉकलेट मिलेगा। तो सर दोनों में से बड़ा चॉकलेट किसको मिलेगा, वो भी है बात इसमें। हाँ नहीं, लेकिन बड़ा चॉकलेट अभी पूरा उत्तर मिला नहीं है, तो मैं और भी तो अब हमको भी जवाब देना पड़ जाएगा, ऐसे हम नहीं देते हैं जवाब। प्लीज प्लीज दीजिए मैम जी। एक्चुअली लायन के पास स्ट्रेटजीज भी है, स्ट्रेटजीज होता है ना जो जी। दिमाग उसी में आ गया अपना शिकार को कैसे शिकार, तो दिमाग आ गया। बहुत सही बोल रही मैम।
इसमें वो हमारी सचिव ममता जी जो बोली उसमें बस हम एक एक वर्ड और ऐड कर देंगे कि वो दिमाग से तेज, शरीर से ताकतवर और फुर्तीला होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम बताते हैं, बहुत अच्छा है, सबका जवाब सही है, किस पे गलत कुछ नहीं है। लेकिन लायन को बोलते हैं जंगल का राजा, लीडर। और कोई एक जब लीडर होता है ना किसी कंपनी में, किसी कंपनी में चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, तो आपको दिख जाएगा एक लीडर की अलग क्वालिटी। तो वो लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है, वो जंगल के किंग लायन की तरह होता है। अगर आप देखिएगा जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, जिराफ। लेकिन वो थोड़ा सा बीच बीच में सर आपका आवाज नहीं है, सबसे मजबूत थोड़ा सा आवाज, हेलो, थोड़ा हल्का हल्का आवाज डिस्कनेक्ट होता है सर। अच्छा, हल्का कट हो रहा है क्या, कभी कभार होता है सर, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, वो तो थोड़ा थोड़ा कभी गांव से कनेक्टेड है ना। जी जी, कोई दिक्कत। तो हम यही बता रहे थे कि जो भी एक लीडर होता है ना, आप लायन को देखिएगा तो लायन जो है लंबाई ज्यादा नहीं है लेकिन बौना भी नहीं है। अगर आप उसका दिमाग देखिएगा तो लोमड़ी की तरह दिमाग भी नहीं है लेकिन उसका दिमाग एवरेज से ऊपर है। अब वो देखिए हाथी की तरह मजबूत तो नहीं है लेकिन वो मजबूत ऐसा भी ऐसा है कि वो अपने शिकार को शिकार कर लेता है। तो एक लीडर की पहचान यही होनी चाहिए कि जो आपको एवरेज से ऊपर रखे। तो अभी आईफोन वाली जो मैम थी वो मैम बता रही थी कि अकाउंटिंग कल सीखी वो। तो जब आप कोई अपना बिजनेस करती हैं तो आपको ये नहीं कि आपको मास्टर होना है अकाउंटिंग में, ये नहीं कि आपको टीम हैंडलिंग में मास्टर होना है, लेकिन आपको उसका नॉलेज होना चाहिए एवरेज से ऊपर ताकि आपको चीजें पता हो। तो वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन और वीमेन बनता है। तो समझ में आ गया, आप लोग सबको शेरनी बनना है, अपना शिकार करना आना चाहिए एवरेज से ऊपर, अकाउंटिंग उससे भी अच्छा होना चाहिए, बिजनेस एटिकेट्स पता होना चाहिए, टीम लीडिंग पता होना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाना आना चाहिए, अगला 4 मूव 10 मूव आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चलना है, क्या करना है, मेरा कहाँ कम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, मेरा कौन कंपटीटर है, ये सारी चीजें की जानकारी होना अति आवश्यक है। समझ में आ गया लायन क्यों है जंगल का राजा? अगर हाँ तो लिखिए हाँ, क्योंकि हम आपको ट्रबल करते रहेंगे टाइप करने के लिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल हाँ, बहुत खूब, मैं देख रहा हूँ, यस यस यस, बहुत बढ़िया। सुशीला जी बोल रही है यस, ममता भारती जी यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मैं आप लोगों को ये तय करना होगा, मतलब बनना होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमारा आप लोग सबसे सवाल है, बिहार में एक लेडी है जिनका नाम है मशरूम लेडी ऑफ बिहार, मशरूम लेडी ऑफ बिहार, उनका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? लेकिन प्रेजेंट कर, हाँ जी, जनक किशोरी जी, कहीं भी नहीं है वो, मशरूम बिहार के नाम से, हाँ मशरूम लेडी ऑफ बिहार बोला जाता है, आशा देवी। अच्छा अच्छा, आशा देवी का नाम है। जनक किशोरी कब हो गई भाई, तो बिहार की मशरूम लेडी पूछा जा रहा है। हम फोटो नहीं, actually, वो बिहार तो वो बिहार महिला उद्योग की, वो बिहार महिला उद्योग की लेडी हो होंगी, बिहार की अभी नहीं हो पाई है। अच्छा तो ठीक है, तो हम वो फोटो वगैरह रखें, आप लोगों से लास्ट में सवाल पूछेंगे दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को एक, जब आप कोई चीज देखती हैं और सुनती हैं तो ज्यादा सीखती हैं। सिर्फ आप सुनेंगी ना तो सिर्फ 32% सीखेंगी, 32%, लेकिन जो चीज आप देखेंगी और सीखेंगी तो 65% सीखेंगी। जब कोई चीज को आप करेंगी तो 90% से ज्यादा सीखेंगी। तो जब अपना आप बिजनेस कीजिएगा तो बहुत गलती कीजिएगा और सीखिएगा। आप सोचिएगा कि हम आपको सारा फॉर्मूला या आपको जी सारा फॉर्मूला दे दें उसके बाद आप करिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू फर्स्ट।
आपको यू हैव टू डू मिस्टेक्स, आपको गलती होगी आपसे, लेकिन आपको मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, उससे आगे सीखना है. हम क्लियर है? आर वी क्लियर नाउ? सेशन कैसा लग रहा है? अगला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. थैंक यू मैम, थैंक यू. तो हम ऐसे बाय प्रोफेशन हम ट्रेनर भी हैं, तो आई कनेक्ट विथ लॉट ऑफ पीपल. और आज का हमारा जो सेशन है वो नेटवर्किंग का है, ठीक है. हम ये आपसे पूछना चाहेंगे सवाल, और आपको मुझे इसका जवाब देना होगा. जितनी भी महिलाएं हैं, मैं देख रहा हूँ 24 हैं, इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मेरे को लेके, आप लोग सब में एक दूसरे को सब कौन जानता है? सब एक दूसरे को जानता है, 24 को जानता है, हाँ या ना? यस सर. सब लोग एक दूसरे को जानते हैं? ट्रेनिंग नहीं सर. नो सर. राइट? नो. नो सर. हाँ, तो देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, एंड आई ऑलवेज टेल दिस, मैं हमेशा इसको कहता हूँ, पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क. लिख लीजिए, टैगलाइन है, हम बहुत यूज करते हैं इसको, पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क. मतलब गरीब लोग काम करते हैं और अमीर लोग नेटवर्किंग करते हैं. और अमीर का मतलब पैसे वाला नहीं, अमीर का मतलब अमीर. अब पैसे वाले से मत, दिमाग से जो अमीर है उससे अमीर कोई होता ही नहीं है. तो और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, और वो भी कल्पना मैम का, उसके लिए धन्यवाद. तो पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क. ये मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, क्योंकि आप देखिएगा कहीं भी बड़े बड़े पोजिशंस में जब हायरिंग होती है, किसी एडवाइजरी बोर्ड के लिए, बोर्ड ऑफ मेंबर के लिए, कोई सीईओ के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए, बड़े बड़े रोल के लिए, तो उनका इंटरव्यू सिर्फ नाम के लिए आता है, लिंक्डइन पे वगैरह वगैरह पे. वो पहले ही फिक्स होता है कि मुझे ये बंदा को लेना है. क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग से, अच्छा मुझे अच्छा बंदा चाहिए, आप मुझे दे दो, तो नेटवर्किंग से होता है. तो जितना ज्यादा आपका नेटवर्किंग होगा, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती है कि 74% लोग जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, वो हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के कारण, जिसको कि बोला जाता है सोशल कैपिटल. और सोशल कैपिटल, रूमी जी का वीडियो का, अच्छा, सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि आप कितना सोशली इन्वॉल्व है. अब देखिए, जैसे कल्पना मैम है, इतने लोगों के साथ जुड़ रही हैं, लोग इनको पहचान रहे हैं, तो चाहे बहुत सारे लोग हो गए, श्रेयस कुमारी जी हो गई, अंजना जी हो गई, आईफोन वाली मैम का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, सिर्फ आईफोन देख रहा हूँ. तो और श्रेयस कुमारी जी का नाम ही प्रीति प्रिया है, और उनके इस पर लिखा हुआ है श्रेयस कुमारी, तो वो ठीक करना पड़ेगा ये सब चीज. और जो प्रेरणा यादव आज ठीक हो गई, कल तक वो भी क्या कौन सा सदानंद यादव था उनके पर लिखा हुआ, आज वो ठीक हो गई. मैंने ठीक कर लिया एक्चुअली मेरे. और मधु दी, आपका आईफोन लिखा हुआ आता है, तो आप भी अपना नाम लिख ले और सीख ले. नहीं यार, अरे मैंने ठीक कर लिया ना, अभी तो सीख लीजिए. हम आपको बोलेंगे आईफोन वाले हैं, जैसे शाहरुख खान का ऐड आता था ना, सेंट्रो वाले हैं, तो हम बोलेंगे आईफोन वाले हैं. तो ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ. तो ये 74% जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो सिर्फ सोशल कैपिटल के कारण, मतलब नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी के कारण है. अब नेटवर्किंग कैसा होगा, अगर मान लीजिए आपको बातचीत करना नहीं आता है, आप हेजिटेट करती हैं लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, लोगों से जुड़ने में, तो क्या आप जुड़ पाएंगी? इसका उत्तर है ना, ना जी ना, ना जी ना, एकदम ना. तो थोड़ा आप में शालीन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी है. अगर आप एक बिजनेस वुमेन है, मान लीजिए आपके सामने एक माइक आ गया, कल मैं एक अपना टीवी का इंटरव्यू आपको लूंगा कि आ जाइए मधु जी, कल्पना जी, प्रीति जी, आप रूमी जी, आप आइए, आपका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे आप घबराएंगी कि नहीं, घर में छूट गया है, प्लीज फोन मत कीजिए, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग सब सुन लेंगे कि आप किसको डांट रहे हैं या किसको बोल रही हैं. अच्छा, तो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू बी सॉरी एंड नो नीड टू कॉल मी सर,
ठीक है, हम लोग सर अभी सीख ही रहे हैं। हाँ तो अच्छा है ना, सीखने का तो वो है। तो हम ये बता रहे थे कि इंटरपर्सनल स्किल बहुत जरूरी है। मैंने अपना उदाहरण दिया, 2009 में मैं पोगो चैनल देखता था और आज मैं 2000 1000 लोगों को मैं फोटो वगैरह भेजूंगा मैम को, अगर मैम शेयर कर पाए, जुड़ा हुआ हूँ। मैं एड्रेस करता हूँ, अभी मेरी एक फरवरी में मैंने एक शो किया था आरएन कॉलेज हाजीपुर में, मुझे 200 बच्चे घेर लिए थे मेरे शो के बाद, मेरे प्रेजेंटेशन के बाद मुझे घेर लिए थे 200 बच्चे, सर मेरे को हेल्प कीजिए, मेरे को हेल्प कीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दिन पे दिन अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कीजिए, बढ़ाइए, बात करने का तरीका, लहजा, जार्गन, बजवर्ड, जो कि एक जरूरी है, इस ग्रुप को आगे बढ़ाइए, और इंटरपर्सनल स्किल्स, सो नेटवर्किंग बहुत बहुत काम आता है। इसमें से मुझे बताइए कितने लोगों को पता है लिंक्डइन के बारे में, LinkedIn, लिंक्डइन, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ नाम, कितने को पता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हम उस पर ज्वाइन भी किए हुए हैं लेकिन यूज बहुत नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है मैम, कोई बात नहीं, पता है सर। हाँ रश्मि जी को भी पता है, हाँ सर। रूमी जी को भी पता है, हाँ सर। अच्छा कितने को पता है इंस्टाग्राम के बारे में, सबको पता होगा सर, सब हम देखते हैं, सब खूब अपना रील बनाती हैं 2-2 मिनट का, लेडीज लोग काम तो देखे हैं, बैकग्राउंड में गाना चलता है मस्ती वाला और पीछे अपना वो। तो और कितने को पता है फेसबुक के बारे में, सब पता होगा राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग अगर सिर्फ महिलाएं हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फेसबुक के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अपने परिवार से जुड़िए, हाय हेलो कीजिए। लेकिन अगर आपको लिंक्डइन के बारे में पता है और अगर आप लिंक्डइन पे हैं और एक्टिव नहीं हैं, तो आप लोग ये क्राइम कर रही हैं, अपने बिजनेस को, अपने अपने बिजनेस को अपने वॉइस दीजिए, अपने बिजनेस को अपना वॉइस दीजिए, अपना आवाज दीजिए, और वो आवाज एक प्रोफेशनल साइट है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाइए, फॉलोअर्स क्रिएट कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिहार के प्रोफेशनल्स लोगों के साथ जो जॉब में है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस में मैंने उनके साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप कोविड में, कोरोना काल में डिजिटली ही लोगों से जुड़ पाएंगे और पहले भी ऐसा था। तो डिजिटल जो है मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब देखती हैं, लोग अपना वॉइस रखते हैं, तो काइंडली गो टू लिंक्डइन, मेक योर प्रोफाइल, स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यूज कीजिए, पोस्ट डालिए। आप लोग बहुत सारी महिलाएं सिर्फ अपना नाम लिखी है, प्रेरणा यादव में एस लिखा हुआ है, तान्या में टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फोटो दीजिए अपने जूम पे, अपने गूगल मीट पे, अपने जीमेल पे, अपना एक प्रोफेशनल फोटो डाल दीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज है ना जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत सारे लिंक्डइन पे लोग जाते हैं और अपना बोलते हैं ना मॉडल वाला फोटो, ऐसे वाला फोटो, हवा में उड़ते हुए फोटो डालेंगे, वो नहीं है, वो फेसबुक के लिए सही है। लेकिन लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशनल फोटो डालिए, अगर ब्लेजर है या साड़ी में है, एकदम बिजनेस वुमेन लगनी चाहिए। अपना प्रोफाइल के बायो में कुछ लिखिए अपने कंपनी के बारे में, उसको प्रमोट कीजिए। ये बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग का पहला स्टेप है। सो मेक योर प्रोफाइल बी कनेक्टेड टू ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज दैट्स गोना बी अ वेरी 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 पावरफुल टूल टू यूज इन टूडेज वर्ल्ड एंड टूमोरो एज वेल। कल के दिन में भी ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल हो रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोज क्लब हाउस, कितनों को क्लब हाउस के बारे में पता है। क्लब हाउस बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है सोशल मीडिया पे। हमने लिंक्डइन को नकारा, आज लिंक्डइन पावरफुल है। इंस्टाग्राम को नकारा, इंस्टाग्राम पावरफुल है। शुरू में बच्चे फेसबुक पे जाते थे तो आप ही लोग गार्जियन थे जो डांटते थे, दिन भर दोस्त से चैटिंग करता है, दोस्ती बनाता है, आज बड़े ही उसका फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल है लेडीज और जेंटलमैन, एक्सेप्ट मी। तो प्लीज 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 आप लोग सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बनाइए, स्पेशली ऑन लिंक्डइन, और स्टार्ट प्रमोटिंग योर ब्रांड। अपने आवाज दीजिए अपने ब्रांड को। आप लोग 24 लोग हैं, 24 लाइक्स, 24 कमेंट्स, ऐसे ही ये रीच बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, हम लोग ना एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, सोचते हैं ना कि किसी से नेटवर्क करेंगे तो
ये इट्स अ वेरी डर्टी गेम, ये बहुत गंदा गेम है। अरे किसी से हाय बोलना, हेलो बोलना, कितना बेकार चीज है। क्या कहते हैं स्ट्रेंजर से, मतलब स्ट्रेंजर का हिंदी अजनबी, अजनबियों से बात करना मिलना अजीब होगा हमारे लिए। हम महिलाएं हैं, चाहे मैं पुरुष हूं, कैसा होगा? ऐसा नहीं है, आप लोग कनेक्ट कर सकती हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं बोला कि हर स्ट्रेंजर से, लेकिन जो भी आपके डोमेन में काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई महिलाएं हैं और आप हैंडलूम के इंडस्ट्री में हैं, तो हैंडलूम के इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट होइए। वहां पे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे आइडियाज लीजिए, उनसे मिस्टेक सीखिए एंड ऑल ऑफ दोस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब फिजिकली लोगों से मिलते हैं, कल्पना मैम को पता होगा, तो हम लोग पहले मिलके अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैम लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड है। हम लोग क्या करते हैं, उस विजिटिंग कार्ड को अपने पर्स में रख लेते हैं, अपने वॉलेट में रख लेते हैं, राइट? उसके बाद हम फॉलो अप नहीं करते हैं। तो नेटवर्किंग का सेकेंड जो गोल्डन रूल है वो है फॉलो अप। लिख लीजिए, लिख लीजिए, नेटवर्किंग का सेकेंड सबसे बड़ा गोल्डन रूल है वो है फॉलो अप। मतलब आप हमसे जुड़ी और आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम का हूँ, आपके बिजनेस के लिए काम का हूँ, या आपको आइडिया दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, या तो आपका सेकेंड स्टेप होगा कि मेरे साथ कैसे फॉलो अप करे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं बिजी होऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगी, तो आप ईमेल के थ्रू जुड़ सकती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकती हैं। तो देयर आर सो मेनी यू नो टूल्स, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म टू गेट कनेक्टेड, लेकिन आपको फॉलो अप करना होगा। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगी तो द कनेक्टिविटी विल नॉट बी देयर। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने आनंद मूवी किस किस ने देखा है? मैं बहुत पिक्चर की भी बात करूंगा। देखी है? Yes, अच्छा सबने देखा, किसने नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो नो लिखे। कल्पना को टाइम नहीं है पिक्चर नहीं, वो बात नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम है, लेकिन ये आजकल टाइम हुआ है तो वो बेटी कुछ कुछ लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि हम कुछ अलग टाइप का फिल्म भी देखते हैं, तो इसको हम अब देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे, जरूर अच्छी होगी तभी बोल रहे हैं। अच्छा तो कल्पना बहुत पुरानी मूवी है, बहुत मूवी है, तो उसमें राजेश खन्ने का कैरेक्टर आपको पता है? जी हाँ। घर से निकलने के बाद क्या बोलते हैं, जय श्री राम, लोगों से कनेक्ट करते हैं, बाबू मोशाय, राइट? तो आप लोगों को देखिए, मैं मूवी से सीखता हूँ और मैं हर मूवी पे एक लेसन बता सकता हूँ, मतलब आई लव मूवीज, अभी तो नहीं जब से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बट पहले बहुत मूवी देखता था जॉब में था। तो आप लोगों को आनंद मूवी के राजेश खन्ना का कैरेक्टर लेना है। घर से बाहर निकले तो वो क्या करते थे, जब भी घर से निकलते थे जय श्री राम, स्ट्रेंजर को हेलो हाय, तो आप लोगों को वो बनना होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी आनंद मूवी, मतलब आप लोगों से जुड़िए। एक किताब है बहुत अच्छी, हु विल क्राई वेन यू डाई, हु विल क्राई वेन यू डाई, आई थिंक तान्या इज नोडिंग अहेड, राइट तान्या? आप सर अपना हिला रहे हो, सो बहुत ही खूबसूरत है, कौन जब आप मरोगे तो कौन रोएगा, डेथ मतलब उसका मैं, हु विल क्राई, क्या बोले सर नाम, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये बुक है, ये नॉवेल, हाँ ये बुक है, अगर मौका मिले तो पढ़िए, क्योंकि बिजनेस वुमेन बनने के साथ साथ कुछ वैल्यूज आपको अपने अंदर लाने होंगे, जैसे होता है काइंडनेस, अब काइंडनेस का हिंदी क्या होता है प्लीज कोई बता दे, दयालुता, हाँ तो काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काइंडनेस, आपको एक्यूमेन होना चाहिए, आपको बहुत स्मार्ट होगा लेकिन काइंडनेस नहीं होगा, जैसे रतन टाटा, हम लोग सब पोस्ट डालते हैं रतन टाटा का ये वो, लेकिन कितने काइंड आदमी है, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी सब एग्जांपल देते हैं राष्ट्रपति का, कितने काइंड आदमी थे। तो जो महान बनता है ना वो ये वैल्यू को जीता है। तो आप लोग बिजनेस वुमेन के साथ, और पता है औरतें ऐसे भी बहुत काइंड होती हैं कंपेयर्ड टू मेल, औरत लोग जो होती हैं, चाहे मेरी माँ होगी चाहे कोई भी औरत होती है, वो उनमें दयालुता ज्यादा होता है, ईश्वरीय देन है जी, तो हमको ये बोलना नहीं है, लेकिन काइंडनेस, एम्पथी, एम्पथी का हिंदी हम समझा सकते हैं, जैसे किसी के, जैसे एग्जांपल था, मैं एक आदमी का कोविड से डेथ हो गया, तो हम उसको कॉल किए, उसके स्टूडेंट को हम बोले कि सर का तो देहांत हो गया, तो बोले हाँ उस सर, बिहार का ही बच्चा था, IIBM कॉलेज का, हाँ उस सर तो मर गए, उस सर तो मर गए। मतलब देखिए उस बच्चे में, और ये कॉलेज का बच्चा है, उसके पास एम्पैथी नहीं है,
कि फीलिंग नहीं है पुटिंग योरसेल्फ इन समवन शूज मतलब अपने अपने आप को उनके उनके जूते में रखना तो मतलब अगर आप ऐसा फील करोगे ना तो मतलब आप उनको फील करते हो तो पुटिंग योरसेल्फ इन समवन शूज इज कॉल्ड एम्पथी। तो ये एक सेकंड यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे थे कि हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारी युवा गर्ल्स हम जोड़े हुए हैं बहुत मुश्किल से समझा के और बहुत ये करके, लेकिन बहुत आश्चर्य होता है कि जो उद्यमी बनना तो चाहती हैं बहुत सीरियस और स्किल्ड भी हैं, मतलब वो हम लोगों से ज्यादा हम लोग एज ग्रुप से ज्यादा स्किल्ड है और बहुत को जोड़े हुए हैं, लेकिन हम थक गए मुश्किल से जो दो तीन जो आपको दिख रही हैं इनको भी जबरदस्ती लाया गया है। आज भी मैंने तान्या को समझाया है कि आप ये मत समझो कि कल्पना के लिए या WECS के लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने लिए इसको देखो क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो बेहतरीन एक्सपर्ट हैं हर अपने अपने क्षेत्र के। तो ये हम युवा उद्यमी को भी ये कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वो भी हमको सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात पे एक मिनट का कहानी सुना दें, हर चीज में मेरे पास एक कहानी है। तो हमारे बिहार की धरती से आते हैं लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध अपने अपने सोरमोंड मतलब एक पॉन्ड पे नहर होता है ना जहाँ पे फूल उल रहते हैं पानी, पॉन्ड बोलते हैं ना सरोवर, सरोवर। तो एक सरोवर के आस पास ही अपने बच्चों को मेंटरिंग कर रहे थे, सिखा रहे थे। तो लंच ब्रेक का टाइमिंग दिया लॉर्ड बुद्ध ने और बोले उन्होंने कि भगवान बुद्ध बोले हम आते हैं थोड़ी देर में। तो उनका जो एक प्रिय शिष्य था ना, मान लीजिए आप लोग में से कोई एक प्रिय शिष्य होंगी लॉर्ड बुद्ध को, अपने आप को इमेजिन कीजिए। तो आप सोचिए कि भगवान को खुश करते हैं, भाई ये तो मेरे गुरु हैं। तो आप गई और उनको कमल का फूल बहुत पसंद था भगवान बुद्ध को, तो जाके उस सरोवर में से कमल का फूल तोड़ के लाके रख लिए, छुपा लिए। और जैसे ही भगवान बुद्ध आए ना तो उनको दे दिए कि फूल। तो भगवान बुद्ध बहुत क्रोधित हुए उस बच्चे पे कि इतना प्यारा पॉन्ड है, सरोवर है, उसमें इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं और आप जो है उसको तोड़ रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। तो बेचारा बहुत दुखी हुआ कि हम तो भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए ये किए थे और उल्टा हम ही को डांट पड़ गया। कल्पना मैडम आपके लिए जी जी ये बात, तो आप बुद्ध हैं। तो क्या हुआ कि अभी पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, उसी में एक बाहर का आदमी आया सरोवर में और एक फूल तोड़ा, दो फूल तोड़ा, तीन फूल तोड़ा, देखते देखते पूरा सरोवर का फूल तोड़ दिया एकदम, लेके बिखरा दिया। तो और भगवान बुद्ध कुछ भी उसको नहीं बोले। तो जब शाम हुई, जब क्लास खत्म हो गया, तो पूछा गया भगवान से, वो जाके बच्चा पूछता है कि प्रभु मैंने आप एक फूल तोड़ा था, आपने मुझे इतना डांटा और आप ये बंदा जो है इतने फूल तोड़ दिया, आपने इसको एक शब्द नहीं बोला। तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, उन्होंने बोला कि जो मुझे मेरी नजर में तुम समझदार लगते हो इसलिए मैंने तुम्हें डांटा और तुम आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन अगर उस बेवकूफ को अगर मैं समझाता भी तो वो नहीं मानता, तो और तोड़ता और तोड़ते जाता, तो मैं उसको समझाना सही नहीं समझा। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन तो सर सर थोड़ा सा यहाँ और कठिन परिस्थिति है, तो बुद्ध तो हम है नहीं और हमें हर हाल में करना भी है। तो अब ये आपका आवाज कट, जी जी फिर से बोलिए जी। थोड़ा एक स्टेप मेरा और आगे है इसमें, तो बुद्ध को तो वहीं तक छोड़ देना कि उनको अकेला बुद्ध बनना था, वो बन लिए ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि समूह हमारा बुद्ध बन जाए, ये और कठिन काम है। तो वो मतलब हम अपने जैसा ही इन सबको बनाना चाह रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, है ना, मेरी आवाज नहीं आ रही ममता की, तो हम सर समझाना छोड़ नहीं सकते हैं अगर हम आज, क्योंकि उसका उसी का फल है कि आज 500-600 लोग किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो हम समझाना नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप दूसरी कल्पना नहीं बना सकती हैं, आप यूनिक हैं, आप कल्पना के जैसी भी नहीं बना सकती हैं, लेकिन शायद आप कल्पना से और अच्छा बना सके। हाँ जी, आप समझ रहे हैं, अब जवाब मिला हमको जी। तो
कोई दूसरा रवि नहीं होगा, कोई दूसरा मधु मैम नहीं होंगी, कोई दूसरा प्रेरणा जी नहीं होंगी, रितु जी नहीं होंगी, रश्मि जी नहीं होंगी, नीलम जी नहीं होंगी, ममता जी नहीं होंगी, सुशीला जी नहीं, लेकिन शायद उनसे भी कोई बेहतर हो जाए। आपका प्रयास वही है कि आप जो है अपने से बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो दो चीजें हैं कल्पना जी, एक इंटरेस्ट और एक कमिटमेंट। तो हम लोग बोलते हैं ना कि शादी में हम इंगेज हो गए, हम इंगेजमेंट होता है लोगों का, लड़का लड़की का इंगेजमेंट होता है। तो इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब होता है कमिटेड हो गए हैं। तो आपको लोगों को कमिट करना होगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाना होगा। हम शादी में इंटरेस्टेड हैं, उससे काम नहीं चलेगा, 10 लड़का से शादी थोड़ी होगा चाहे 10 लड़की से। आपको एक के प्रति कमिटेड करना पड़ेगा। सो दैट कमिटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड पाइवोटल, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो आपको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस में कमी है कि लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोगों के। और हमें आपको पूरा बिहार को नहीं बदलना है, आपको बदलना है कुछ ऐसे लोग, और वो एग्जाम्पल बनेंगे दूसरे लोगों के लिए, तब लोग जुड़ेंगे। गांधी जी को क्यों बोला जाता है लीडर, सर्वेंट लीडर? बिकॉज जब वो चले तो लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, उनकी सच्चाई, उनकी निष्ठा, उनकी इंटीग्रिटी, अब इंटीग्रिटी का हिंदी हमको नहीं पता है, तो उनके साथ जुड़ते गए लोग, एथिक्स, उनके काम करने का एथिक्स, इंटीग्रिटी, उनके लोगों के प्रति प्यार, एंड ऑल ऑफ दोज, एंड दैट्स व्हाई महात्मा गांधी इज अ ट्रू लीडर, सच्चे लीडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नेता, सच्चे, you know, कोई बात नहीं है सर, उतना बेसिक जानकारी सब की बहुत अच्छी है, इसमें इंग्लिश से एमए, एमकॉम, एमबीए सब है, बस एक हमारी इंग्लिश ही खराब है और सबकी बहुत अच्छी है। नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आज सुपर हिंदी बोलने का, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, ये भी दिक्कत हो जा रहा है कि हम सबको हिंदी कहते हैं, चूंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मतलब अब तो हमको तो काम करना है, तो अब तो वोकैबुलरी बैठ के याद करेंगे नहीं, तो इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि हम कंप्यूटर इंग्लिश में कमजोर हैं। मैम, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोग कम्युनिकेशन को इंग्लिश में जोड़ते हैं। इंग्लिश तो एक भाषा है, इशारा भी एक भाषा है, वर्बल नॉन वर्बल, बट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, मतलब जो अपनी बात रखती है कितना अच्छा दिलों में उतर जाता है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट? सो यू आर गुड एट कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज यू कैन लर्न एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने जी, जी, सर। छोटा भीम देख के और सर ये सर जो सबको एक 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 इसमें है जो इंग्लिश से एमए थी और हमको पूरा एक महीना से परेशान कर दी कि हम कोई काम नहीं करेंगे, तुम बेकार हमको इसमें जोड़ती हो, मेरी दोस्त है वो, और वो आज वो नहीं जुड़ी है। मैंने उसको लास्टली तैयार किया कि तुम एक काम करो, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तुम मेरा राइट हैंड बन जा, हमको जो भेजते हैं लोग तुमको भेजेंगे, तुम ट्रांसलेट करके हमको समझा देना, जो अभी हमारी बेटी करती है। जानती है कल्पना, कल्पना मैम, ये हमारे देश का विडंबना है, और बिहारी को बेवकूफ इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आली जी आ गई है, ममता सिंह, ये यही हमारी कॉलेज की फ्रेंड थी और एकदम अभी भी शायद बेटा बेटी क्या क्या काम करके बहुत बिजी से आई होगी, तो वो आ चुकी है। ये इसी को हमने कहा था कि हमको तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, और जब मेरे काम तुम आने लगोगी ना, तब तुम्हारे घर में भी तुमको लोग काम वाले समझ लेंगे। बिल्कुल, तो मैं यही बोल रहा था कल्पना मैम कि हमारे बिहार का ये विडंबना है, इट्स अ पैराडॉक्स कि हमको अंग्रेजी से नापा जाता तुम्हारे है, साथ ही है। तो हम लोग को नापा, अगर आप आज के डेट में जाके बोलिएगा ना क्या मैं अंदर आऊं बाहर में, तो बोलेगा गेट लॉस्ट, लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा ना मे आई कम इन, बोलेगा प्लीज कम एंड हैव अ सीट। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, इसको इंग्लिश को स्किल समझाता जाता है। ये तो सर हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग तो कहीं भी घुस ही जाएंगे, होने तो नहीं देंगे। तो हम क्योंकि हम लोग चेंज एडेप्टेबिलिटी, हम लोग कॉकरोच की तरह है। बिहारी जो होता है ना वो कॉकरोच की तरह, अगर आपने फैमिली मैन देखा होगा सीरीज, तो उसमें कॉकरोच रहता है, मरेगा नहीं हम लोग जल्दी। इस इंग्लिश के बात पर एक लाइन हम एक कहानी सुनाएंगे सर। बीए से आप जुड़े हुए हैं ना, तो उसमें अमेरिकन कॉन्सुलेट आए थे और हमको बिहार झारखंड का हमको उप उप उप, 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 उप वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था।
तो अब वहाँ सब तो इंग्लिश, सब तो IIM और इससे सब था लड़का। हमने पहले ही कह दिया कि मेरी बात तुम लोग बोल देना, हमको हमको मत बोलना, क्योंकि वो तो इंग्लिश खाली समझेंगे। फिर भी मेरा नाम ले लिया गया, तो मैं बताती हूँ अपना बस कॉमन सेंस, फिर भी मेरा नाम ले लिया उन लोग की, नहीं आप बोलिए। तब हम सोचे कि अगर हम बोलते हैं और अगर ये अमेरिकन कॉन्सुलेंट समझेंगे नहीं तो मेरा बोलना तो व्यर्थ जाएगा। मैंने जो उनके उनके बगल में जो बैठा हुआ था BEA का प्रेसिडेंट, उसको बोला कि मैं जो बोलूंगी वो आप इनको हिंदी में बता देना, ठीक है। और मैंने पहला लाइन क्या बोला सर, कि वो उठ के परेशान हो गए। वो हमने पहला लाइन बोला कि सर हम तो इंडिया में और बिहार में है, और आप आए हैं इंडिया के बिहार में, तो आपको दुभाषिया लेकर आना चाहिए था, ये गलती आपकी है हमारी नहीं। हम तो हमारे महिला उद्यमियों का बात हिंदी में रखेंगे, और ये गलती आपकी है। वो आदमी इतना इम्प्रेस हुआ, बोला कि इनको अध्यक्ष बनाओ अब, और ये मेरी गलती अगली बार से ऐसा हम नहीं करेंगे, हम लेकर आएंगे। और तो जो वो सत्य हो गया ना मैम कि आप जी 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 अच्छा करते तो वो यस कमिंग, तो घुस तो जाएंगे ही, बहुत अनुशासन से घुस भी जाएंगे, ये तो बात है जी जी जी। तो यही है, तीन चीजें अभी रखूंगा कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग के बारे में, कि आप लोग जो कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में, जितनी भी महिलाएं मैम हैं, आप लोग काफी अच्छा कर रही हैं। तो मुझे नहीं बताना है कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, लेकिन आपको जो है नेक्स्ट लेवल जाना है, सेकंड लेवल, आगे और आगे बढ़ना है, स्केल अप करना है आपको, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नेटवर्किंग करनी होगी, आपको कनेक्ट करना होगा, आपको पार्टनरशिप करना होगा। अब पार्टनरशिप को तोड़िएगा तो पार्टनर और शिप, जहाज पता है ना आपको, तो ऐसा जहाज जो डूबे ना, शिप, पार्टनरशिप। ये हम अकाउंट में पढ़े थे जब हम BCOM कर रहे थे, तो वहां पे पार्टनरशिप डीड पढ़े थे, तो उसमें हमको टीचर समझाए थे वही शिप जो। ऐसा पार्टनरशिप आपको करना है, को जो है कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल, आप लोग सबके बच्चे होंगे, ये बताइए मैकडोनल्ड के बारे में कितना लोग जानता है, गया है मैकडोनल्ड में खाने के लिए, सब लोग जानता है, सब लोग बर्गर और फ्रेंच फ्राई वगैरह चला है। तो बताइए मैकडोनल्ड में जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीती है वो कौन से कंपनी का रहता है, कोक का रहता है। तानिया यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अनुभव अच्छा है सर। तो ऐसा क्यों है, मैकडोनल्ड तो पीकर चल देते हैं, कौन सा कंपनी का, वो खास भी रही है, वो खास भी रही है, इसका मतलब माउथ अभी हां घर में नहीं है, पी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य वाह, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हिंदी अच्छी हो गई आपकी, मैकडोनल्ड एंड कोका कोला का कोलैबोरेशन है। खाता तो मैकडोनल्ड भी अपना कोल्ड ड्रिंक निकाल सकता था, लेकिन वो शायद उस फील्ड में बेस्ट नहीं होता कोका कोला निकालने या कोल्ड ड्रिंक निकालने में। तो उसने क्या किया, उसने किया कोलैबोरेट। तो शायद आप लोग अपने फील्ड में अच्छी होंगी, लेकिन जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगी आगे नहीं बढ़ेंगी। सेम एज ये KFC, KFC में पेप्सी मिलता है, आप तानिया को पता होगा। सो पेप्सी का कोलैबोरेशन जो है वो KFC के साथ है, तो हम लोगों को भी मैकडोनल्ड बनना है। अब देखिए मेरी कंपनी जेंगेजेस है, अब कल्पना मैम आप किसी तरह, मतलब हम भी चाहेंगे कि आप लोगों से जुड़े, आप लोगों को जोड़े, आप लोगों से जुड़ जाए, आप लोगों को हेल्प करें, तो कहीं ना कहीं हम भी जुड़ जाएंगे जेंगेजेस जी। वो सर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे AIC अटल इनक्यूबेशन सेंटर बिहार से MOU कर लिए हैं, और BIA से अभी बात चल रही है, वो भी रेडी है, और ये बहुत सारे एसोसिएशन से, उद्यमी संगठन से, सबसे हम WCS MOU कर ही रहे हैं। वेरी नाइस। तो भाई वही बोल रहे हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे अब, जैसे हमारे लिए तो हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। अब जैसे मैम को है, मैम को प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इंडिविजुअल के लिए, हर एक महिलाओं के लिए, क्योंकि हम तो आके जनरल बात बता के चले गए ना। तान्या को पता नहीं, मेरे को तान्या का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो क्या बिजनेस कर रही है, कहाँ उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, कहाँ उनको हेल्प चाहिए। सेम गोज विद सुशीला कुमारी जी, सोनाली जी, ममता जी, रेशमी जी। तो जब कोई एक ट्रेनर जुड़ता है, वो 1-on-1 सेशन करेगा आपके साथ, आधा घंटा 1 घंटा, आपको बताएगा कि आपकी कमी कहाँ है, कहाँ आप आगे बढ़ सकती हैं।
तो वो प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगा, वो प्रॉपर मेंटरशिप हुआ, ठीक है ना। इसीलिए देखिए कि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर, विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर, उनको बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके उनको मेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास भी अपना उनका पर्सनल मेंटर है। भले कोच इंडिया के पास कोच है, बट स्टिल उनका मेंटर है। क्यों है? बिकॉज मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एक डायरेक्शन देता है, जो आपको एक रास्ता देगा, जो आपको एक उम्मीद देगा, एक ऑब्जेक्टिव देगा आगे बढ़ने का, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली अचीविंग योर गोल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत जरूरी है। तो आपको सवाल पूछने होंगे, क्या आपके पास आपका मेंटर है? अगर नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। अब मेंटर का मतलब ही नहीं कि मेंटर कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट यू ऑल शुड हैव अ मेंटर जो आपको गाइड करे, रास्ता दिखाए। हम लोग बोलते हैं लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। वही असली लीडर है जो नोज द वे, जो रास्ता को जानता है, goes the way, उस रास्ता पे गया है, and shows the way, जो रास्ता दिखा सकता है। नहीं तो आप भटकते रहिएगा directionless, बिना direction के। ऐसे जहाज में आप बैठी हुई हैं जहाँ कोई लाइट हाउस है ही नहीं। लाइट हाउस कहने का मतलब जहाँ पे पानी वाला जहाज रुकेगा। यू आर सेलिंग, आप बस पानी में सेल कर रहे हो बिना डायरेक्शन के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर गाइस? हम लोग क्लियर है इस पे? तो आप आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेंटरशिप के लिए, आपको जुड़ना पड़ेगा एसोसिएशंस में। आप अभी मैम, कल्पना मैम बता रही थी बहुत सारा एमओयू की हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स आपके फ्यूचर्स में होंगे, बहुत सारी मेंटरिंग्स होंगी। आप कभी अपना सेशंस ना छोड़ें, एक घंटा, दो घंटा, दिन भर का। बहुत लोग इतने आलसी अपने शरीर पे टाइम ही नहीं देते हैं, खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है। जैसे मेरा हाई था तो 6 किलोमीटर दौड़ा हूं, तो हर दिन तो मेरा 6 kg वजन कम हुआ है, एंड आई एम मेंटेनिंग इट। सो योर 5% ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन योर हेल्थ, योर 5-10% ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन योर प्रोफेशन। आप बिजनेस कर रही हो, अपने करियर्स के बारे में, आप कुछ लिखना, पढ़ना, हॉबीज, 2 घंटे तो आप दे दो कम से कम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज हो गया, एसोसिएशन के साथ जुड़िए। जैसे आपको बहुत सारे एसोसिएशन है बिहार में भी, कल्पना मैम को पता होगा, इनक्यूबेशन सेंटर है, फिर आपको एक्सेलरेटर है, वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने। आपको बस एक आइडियाज लेके आना है, उस आइडियाज पे काम करना है, रिसर्च करना है। सबसे पहला सवाल वाय, अपने आप में ये पूछिए। अगर आप वो कोई भी बिजनेस कर रही हैं तो आप क्यों कर रही हैं, वाय? अगर मान लीजिए आप हैंडलूम का कर रही हैं, कुछ कपड़ों का कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? हेलो, नहीं मीटिंग चल रहा है। I think Tanya is on call. Okay. Hello. So Tanya, can you mute your phone for some time, please? I guess we are getting. Everybody is. Hello. Yes, sir. हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि दूसरा चीज हो गया कि इनक्यूबेशन या एक्सेलरेटर से आप कनेक्ट होंगी। जितने भी इवेंट्स होगा वो सारे इवेंट्स करिए, क्या पता। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पटना में था तो एक इवेंट हुआ था, जिस इवेंट में नीतीश कुमार आए थे, मैं कॉलेज में था, शेखर सुमन आए थे, आपकी अदालत वाले रजत शर्मा आए थे, मनोज तिवारी आए थे, ठीक है। और मैं वो कॉलेज के 3rd year में था और उनका इवेंट मैंने किया था। मैं नहीं जा रहा था लेकिन किसी तरह दोस्तों के साथ मैं गया और वो इवेंट किया, और उसके बाद मुझे लगा कि एक दिन मैं भी स्टेज पे इसी तरह भाषण दूंगा। वो दिन था और आज का दिन है। कितने इवेंट्स किया हूं मैं, तो आपको पता नहीं कि कौन आपको इंस्पायर कर जाए। किसी की भी आप स्टोरी सुनोगे, चाहे वो लेडीज है, आपको पता नहीं, एक कंपनी है नाइका, NYKAA, शायद ये फैशन का ब्रांड है, राइट, लिपस्टिक ये वो, उनके उनके सीईओ के बारे में। हाँ, तो नाइका के बारे में जाके रिसर्च कीजिए। आप लोग की तरह ही महिला थी और उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ऑनलाइन से स्टार्ट किया और आज करोड़ों का बिजनेस है नाइका। फ्रागुल नायर नाम है उनका,
गो एंड रीड अबाउट हर। तो इसमें कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है, 60 साल पे भी आप कर सकती हैं। वो जो आप केएफसी के बुढ़ा को देखते हैं ना, केएफसी में बुढ़ा रहता है वो बंदा, 60-65 साल में अपना स्टार्ट किया था, अच्छा चिकन बनाता था, रोस्टेड चिकन। तो उनके बारे में तो उम्र का कोई सीमा नहीं है, जब आप इंस्पायर्ड हो जाए तब आप शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या कर सकता हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे तो हाथ बंधे हैं, मेरे तो बच्चे पढ़ रहे। तो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, ये सारे ना बहाने हैं, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, नहीं करने के बहाने हैं सर। हाँ, तो बस आपको चाहिए थोड़ा समय जो कि आपके पास है, थोड़ा डेडिकेशन, मतलब थोड़ा फोकस, और कल्पना जी जैसे लोग, एक नेटवर्क, उसके बाद तो सारा दुनिया अपना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो मैं यही बोलूंगा, और कुछ रोल मॉडल है आपको मैं बता दूं, सेवा किसको पता है, SEWA, कल्पना जी को तो मालूम ही होगा, गुजरात का एक ऑर्गेनाइजेशन है अहमदाबाद का, जो कि 16 स्टेट में अभी है, वो वीमेन एम्प्लॉयबिलिटी, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं उससे। सर मेरा सपना यही है, जो गुजरात और पुणे, अभी हमारे विभाग सर भी जुड़े हैं और वो जागृति फाउंडेशन की मैम को लाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो बीच में आ भी जाए, तो आप लोग महिलाएं थोड़ा कोशिश करें कि कष्ट करके वीडियो ऑन करके अगर सुन सकें तो। मैं जैसे अभी देखने में बहुत खराब लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत काम कर रही हूँ और तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो हमको आपको सुंदर नहीं देखना है, आप सिर्फ वीडियो ऑन करके हमारे ट्रेनर को सुने, एक से एक कोशिश की गई है, बहुत कष्ट से सबको, बहुत मैसेज करके, बहुत मेहनत से हम और स्वाति ला रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि पूरा ध्यान दें, वीडियो ऑन करके सुने। वो अभी जो विभाग सर शुरू करेंगे तो उनको बीच में कोशिश वो करेंगे कि वो मैडम को लाए, वो पुणे में इसी तरह की फाउंडेशन की का सक्सेस कर चुकी हैं, तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, तो आप लोग थोड़ा इसको समझिए। ये मेरा स्क्रीन देख पा रही है जी, रवि शंकर जी भी आप लोग को बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, एक दिन में होगा नहीं, फिर हम अलग से भी करेंगे इनका। मेरा स्क्रीन देख पा रही हैं, मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं चाह रहा था कि लास्ट के 2 मिनट ही मैं प्रेजेंट करूं, क्योंकि शुरू में करता तो शायद स्क्रीन वगैरह का दिक्कत होता। तो देखिए ये अभी आ जाएगा, ये मैं हूँ और ये हमारी महिला मंडली है, और यहाँ टॉकिंग चल रही है, मतलब आजकल वो मीम्स चल रहा था, यहाँ पार्टी हो रही है। तो ये है हम, और आपको हम बता दे, यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन नेक्स्ट मूव करते हैं, जस्ट देखा आ गया। हाँ, ये देखिए मेरी कंपनी है जिंगेजे, शेयर ड्रीम ब्राइट फ्यूचर, हम लोग IIM बैंगलोर से मेंटर्ड है, वही IIM बैंगलोर जो हमको एडमिशन देने से मना कर दिया था 2009 में कि नहीं तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं है, और वही 2019 आज उसके मेंटर हो गए। आज 2019 में हमको बोल दिया था ये, तो देखिए हम लगाए हुए हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना असफलता से सफलता, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखिए हम है, इतना 2010 का फोटो है, देखिए हम बेंगलोर में कैमरा को भी फेस नहीं कर पाते, फेसबुक से हम निकाले हैं इसको हम। तो ये देखिए हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किए, नियो में, और ये भी बता दें ये सब अभी आपके लिए पीपीटी तैयार हुआ है स्पेशल आप लोग को समझा पाने के लिए। अभी अभी विभास सर सिर्फ अपना टाइम इसलिए चेंज किए कि उनका पीपीटी और वो अच्छे से चेंज कर रहे हैं, तो आप समझिए आप लोग थोड़ा सा भी कि आपके लिए कितना मेहनत ट्रेनर कर रहे हैं, और उत्साहित हैं कि समझा सके और बिहार में ऐसा संगठन खड़ा हो। नहीं नहीं, अब एक बात के लिए छोड़ दिए, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं बोलेंगे ना दशरथ मांझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक इन लोगों को सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे हम छोड़ने वाले नहीं है। हम सबको कनेक्ट करिएगा आप, खाली हम सबसे रिव्यू करेंगे एंड फॉलो अप करेंगे। तो देखिए यही लड़का है जो आंख पे चश्मा डाले हुए है, और आज ये लड़का स्टेज पे देखिए, कोचीन में हम केरला में 500 का क्राउड था, ये यूट्यूब पे भी है वीडियो, 500 लोग सुन रहे थे हमको, हम जब स्पीच दे रहे थे तो। और ये जर्नी है मेरी 10 सालों में।
सर यूट्यूब में आपका आपके अपने नाम से है? नहीं, जेंगेजे से है। हम अपना आपको नंबर शेयर करते हैं। हमको रवि जी आप हमको पूरा भेज दीजिएगा लिंक, हम ग्रुप में डाल देंगे। सब लोग फेसबुक पर जाके और लाइक भी करिएगा और इनके बारे में लिखिएगा भी कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल, तो ये हुआ। और आप ना कल्पना जी एक फोटो भी ले लीजिएगा ताकि इसको भी हम लोग फेसबुक पे डालेंगे। सर ऐसे अभी हमारा WECS लाइव चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है और वीडियो भी आ जाएगा, वो आपको पर्सनल भी वीडियो भेज देंगे। अब हम सवाल पूछेंगे, एक मिनट, ये पहली लेडीज का नाम बताइए जिसके बारे में अभी हम तुरंत हम बताए हैं। आशा देवी। आशा ना 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 आशा देवी तो क्या साड़ी में है, देख रही है वो नायका की जो है ना। हाँ एब्सोल्युटली। सेकंड वाली कौन है ये? सेकंड कौन सा? ब्लू वाली। हाँ ब्लू वाली कौन है, नाम बताइए। किरण मजूमदार। किरण मजूमदार। कौन बोला, कौन बोला पहले? मैंने, प्रियंका। तो आपके लिए एक और चॉकलेट कल्पना जी देने वाली है। जी, हम लिखते जा रहे हैं नाम चॉकलेट वाले का। नहीं तो आप नहीं दीजिएगा तो हम फिर बैंगलोर से भेज देंगे। नहीं सर, एकदम सबको भेजेंगे, एकदम कुरियर भी कर देंगे चॉकलेट। अच्छा वेरी गुड। थर्ड लेडी का नाम बताइए। सबको एक एक चॉकलेट मेरे तरफ से। तो आप लिखते जाइए किसको कितना मिला, हम नहीं जान रहे हैं। आइए लेडीज बताइए, दूध निकाल रही हैं। इनको नहीं जान रहे, कोई हरियाणा रूलर इंडिया की है। देखिए सब जान रहा है, छोटा नाम को कोई नहीं जान रहा है। इनका नाम है नवलबेन चौधरी, ये गुजरात की हैं और ये सिर्फ दूध निकालती हैं। और पता है आपको दूध निकाल के कितना कमा ली है? 1 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, ये हमारी आशा देवी हो गई। आशा देवी है ये। आशा देवी है और ये जो है इनको मशरूम लेडी ऑफ बिहार बोला जाता है। 2010 से मशरूम में लगी हुई हैं और इनकी इनकी कहानी पढ़िएगा तो आपको बड़ा दया आएगा, कैसे पूरा गांव वाला इनके अगेंस्ट हो गया था आशा देवी के बारे में। देखिए इनका इनका दुकान का नाम है, लिखा हुआ है माधोपुर फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। पीछे देखिए बोर्ड भी लिखा है माधोपुर फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी लिमिटेड, फोटो में है। ठीक है, लिख लीजिए इसके बारे में, रिसर्च कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और ये लास्ट फोटो बताइए कौन है। ये बेचारी आंध्र प्रदेश की है, हमको पता आपको नहीं पता हो, गुणवती चंद्रशेखरन नाम है और ये इनको पोलियो हो गया था। और ये जो इतना पेंटिंग आप देख रही है ना, जो बनाई हुई है आर्ट वगैरह, ये स्क्रैप से बनाई है, जो जो हम लोग फेंक देते हैं, इतनी खूबसूरत। और ये एक एंटरप्रेन्योर है आप लोग की तरह, महिला उद्यमी। तो ऊपर के 3 बहुत बड़े नाम, नीचे के 3 बहुत छोटे नाम, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए लास्ट का सेशन हम रखे थे, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोगों का थंब रूल है पुअर पीपल वर्क रिच पीपल नेटवर्क। पार्टनरशिप में पहला चीज होता है ट्रस्ट, मतलब विश्वास। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, मान लीजिए आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से, आप हमको बहुत इजीली ट्रस्ट कर पाए। जब हम अब्रॉड में गए थे और हम अपने आप को बोले थे कि हम वेजिटेरियन हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, नहीं तो बीफ वगैरह सब मिलता है ना, तो हमको वहां पे हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। तो हमको जो है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो एक हमको गुजराती भाई मिले, तो हम उनसे पूछे कि भैया इधर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट किधर है, तो वो बोले है ना उधर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, नाम मैं भूलो, केसर, तो केसर है। तो गया मैं, क्योंकि हम इंडियन इंडियन मिले तो विश्वास हो गया, अगर बिहारी बिहारी मिले तो विश्वास हो जाता। तो वो ट्रस्ट इज अ फीलिंग, तो बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप में, नेटवर्किंग में बिल्ड अ ट्रस्ट। फिर दूसरा होता है आपका टीम वर्क। आप पार्टनरशिप में ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मैं भाषण दे रहा हूँ आप लोग कुछ फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो हमको मजा ही नहीं आएगा। हम बोले चलिए ठीक है रखिए, अब हम नहीं आगे मेंटरिंग करेंगे, या हम कोई आपको होमवर्क देंगे आप करेंगे ही नहीं, तो बोलेंगे छोड़ दीजिए क्या करना है। तो टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आपका आइडिया खराब भी है
लेकिन आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग टीम है तो आपके चांसेस ज्यादा है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, आप समझ लीजिए. फिर देन कम्स योर प्लान. हम लोग बोलते हैं ना, वी प्लान गॉड लाफ. हम लोग प्लान करते हैं, भगवान हंसते हैं, क्योंकि हम प्लान किए पता चला कोविड हो गया, 2 साल के लिए सब अपने अपने घर में बंद. बहुत लोग प्लान किए थे 2021 में ये कर देंगे वो कर देंगे, जंग जीत जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे. भगवान जी बोले रुको, पंख काटते हैं, जाओ जाओ अपने अपने घर में. तो यू नो वी प्लान गॉड लव. देन कोलैबोरेशन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कोलैबोरेशन. जब ये सारे चीज होगा तो विन विन होता है, आप भी जीतेंगे हम भी जीतेंगे. एंड व्हेन एवरीबॉडी विंस इट बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर्स और अ बिजनेस मॉडल. तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के बारे में. देखिए सेवा के बारे में मैं बता दूं, सेवा ये देखिए सेवा है जो मैं मैम बता रही थी कि गुजरात का मॉडल है, उनको इसी लेवल पे काम करना है. तो ये 1972 का यू नो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है और 1.5 मिलियन. मुझे बताइए 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख. नहीं, 100 करोड़ सर. 100 करोड़. नो 10 लाख. 10 लाख किसने बोला? 100 लाख. Who said 1 लाख? 100 लाख. नहीं 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख होगा. 10 लाख होगा. Who is agreeing on 10 लाख? Please raise your hand or please write in the comment box. Yes sir. तो अच्छा, रितु जी बहुत कॉन्फिडेंट है. यूट्यूब का बहुत सारे वीडियोस देखती है मिलियंस में. ठीक है. सो रितु जी आपको चॉकलेट मिलेगा किसके तरफ से? कल्पना जी के तरफ से. यू आर राइट. सो 1 मिलियन इज 10 लाख एंड व्हेन वी आर सेइंग ओवर 1.5 मिलियन इज क्लोज टू 15 लाख. राइट. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद सेवा. And Seva always ask these questions to themselves. And I have already given, if you can see the screen right now, you can find it that in the right of the screens that there are 15 questions. 15 questions hain. Us 15 questions ko they try to answer. Seva try to answer. And Kalpana ji, agar aap ye aisa association banana chahti hain, to ye 15 questions ko aap likh lijiye. Ji, ji, ji. 15 questions ke aap answer dengi. We will be able to look at the level of प्लीज अपने को म्यूट कर ले. जी जी बोला जाए सर. हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हाउ वी क्रिएटेड एम्प्लॉयबिलिटी. जिस तरह आप बोल रही हैं कि मैं 500 लोगों को जोड़ रही हूँ, 600 लोग, 3,000 महिलाएं जुड़ रही हैं आपके साथ. सो हैव वी क्रिएटेड एम्प्लॉयबिलिटी, क्या आपने एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट किया है? तो आई गेस योर माई आंसर इज येस, आपने क्रिएट किया है. बट द सेकेंड ड्रिल डाउन क्वेश्चन यू हैव टू थिंक इज हाउ मच, कितने सारे मैंने किए हैं, वो आपको एक देखना होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज हैव वी इंक्रीज द इनकम, क्या आप महिलाओं के लिए उनके इनकम को बढ़ा पाई हैं? अगर आंसर हाँ है तो वेरी गुड. आगे ये सारे चेकलिस्ट होने चाहिए. तो आप अपना ये मेरे जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, ये चेकलिस्ट है. देन ओनली your organization or your communities or your association can move to the next level. Bina answering these questions you cannot move to the next level. Sab log isko screen le le aur hum log group mein assignment ke roop mein isko dalenge. Hum bhi dalenge aur aap log bhi daliyega. Sab leader hain sir. Theek hai. To ye hai aur dekhiye मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं. बहुत सारे इवेंट्स मैंने कराए हैं अब्रॉड में भी, इंडिया में भी. नेपाल में मैंने अप्रैल के महीने में 26 डॉक्टर को मैंने ट्रेन किया है. 26 डॉक्टर को मैंने ट्रेन किया है लीन सिक्स सिग्मा पे, ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे. तो देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. ये देखिए, अभी हमने वेलटेक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है, उसके फोटोज हैं. ये देखिए 20-20 साल के बूढ़े लोग को हमने ट्रेन किया है जो इंडस्ट्री में है. देखिए मुझे यहाँ मोमेंटो मिल रहा है, इतने सारे लोगों को हमने जोड़ा है. 10,000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं. सो वी आर मूविंग एंड यू नो वी वांट टू गेट एसोसिएटेड, वी वांट टू हैव टाई अप एंड वी वांट टू मूव हैविंग विन-विन सिचुएशंस फॉर द सक्सेसफुल यू नो ऑर्गेनाइजेशन इन द हिस्ट्री, इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर एज वेल. ठीक है, ये देखिए
ये मैं सिक्किम में था, सिक्किम मणिपाल में मैं ही हूँ, जेंगेज इज मेरी कंपनी। ये देखिए एक फाइव यूनिवर्सिटी सिक्किम में, सर यही सब प्रोसेस अभी शुरू करने के लिए हम अपना पेपर्स बना रहे हैं, ताकि एमओयू तभी होगा जब हमारी संस्था के बारे में लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो वो मतलब आपसे मदद हम तो बताई है, आपसे अभी मदद तो बहुत चाहिए उसको लिखने के लिए, क्योंकि एमओयू तभी करेगी कोई संस्था जब हमारे सिस्टमेटिक हमारे संस्था में दम होगा और हम उसको अच्छे से बता पाएंगे। जी बिल्कुल। और लास्ट में I would like to thank you all for my अपनो session. बहुत बहुत धन्यवाद। और पाँच मिनट का समय देता हूँ, अगर कोई सवाल है तो you guys can ask me. आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, I'm gonna answer that. मैं सबको answer करूँगा. And with that note, I will end up my session and will go. So over to you guys. आप लोगों के ऊपर है, you can ask me the questions. Fast और short question करेंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन करेंगे सलाह नहीं देंगे, ग्रेट डिफरेंस। और मेरा सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा जी, वो आपके इस पर भी जाके लिखा जाए। हाँ जी, प्रेरणा प्रेरणा बोलिए, अपना नाम लिखें जो भी क्वेश्चन करना चाह रही है चैट बॉक्स में। हाँ प्रेरणा बोलिए। सर हम लोग कोलैबोरेट कैसे करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, करने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले पहले आपको समझना होगा कि कोलैबोरेशन होता क्या है। एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस मॉडल है एंड सेम बिजनेस मॉडल है, मतलब आप भी चिप्स बेचती हैं हम भी चिप्स बेचते हैं, तो वो कोलैबोरेशन नहीं होता है। उसको क्या बोला जाएगा? उसको मर्जर बोला जाएगा, उसको एक्विजिशन बोला जाएगा। कोलैबोरेशन इसका होता है कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, मैं ऑलरेडी चिप्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी चिप्स बनाता हूँ और मेरा चिप्स काफी चल रहा है, तो क्यों ना उसी नाम पे मैं ब्रेड बना दूं, बेकी बिस्किट बना दूं, या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक का मेरा कोलैबोरेशन होगा। तो जब आप सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देखेंगी तो आप चिप्स के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करेंगे, तो इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा कोलैबोरेट करने का, कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, सामने वाले का प्रोडक्ट कौन सा है, और हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर कोलैबोरेट करेंगे तो हम दोनों का फायदा क्या है, उसका क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है, उसके बाद ही कोलैबोरेशन हो पाता है। बात समझ रही है ना? तो आपको अपने बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना है और आपको उसमें अपॉर्चुनिटी देखना है कि आपका अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है। और आपको मैं बता, थोड़ा सा सर इसमें जो है ना सिंपल वर्ड में अंतर थोड़ा सा बता, मतलब वो उनको समझ में आ जाए कि एक पार्टनरशिप हुआ कि ओनली सिर्फ आप अकेले अपने बिजनेस के लिए किसी को पार्टनरशिप ले रही है, वो आपका इंडिविजुअल पार्टनर हो गया, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप हो गया, वो मान लीजिए कि इनकी जो कंपनी है रवि जी की, इनके पास जो मेंटरिंग या जो भी कैपेसिटी है वो, और हमारा एमओयू हो गया, तो ये हमें मेंटरिंग करने के लिए जिम्मेदार भी हो गए, ठीक है। ये हमारा संस्था से ये हुआ, जैसे आपका AIC से हम लोगों ने जो किया वो बजाबता बायोलॉज तैयार हुआ कि AIC हमको क्या क्या मदद करेगी, BIA से हम क्या चाहते हैं, अभी हम ड्राफ्टिंग करके दे रहे हैं BIA को, क्योंकि AIC से AIC सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग की थी, तो उस तरह का हमने MOU किया। MOU या पार्टनरशिप भी सबसे अलग अलग होगा, जिनकी जो खासियत होगी उस तरह का MOU होगा। अभी जो BIA से हम MOU कर रहे हैं सर, वो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट में अपनी ताकत रखता है, इसलिए हम स्टेट लेवल को देखते हुए MOU से कर रहे हैं कि अभी हमें, हम नई संस्था है, हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, तो हम उनके थ्रू उनको सुनाएंगे। तो इस चीज पर बातचीत हो रही है। और बताते आज है, की टॉपिक यही है। कोलैबोरेशन अभी भी क्वेश्चन प्लीज प्रीति प्रिया, आप बहुत अच्छा लगा सर नहीं लिख के, एक क्वेश्चन जल्दी से डाले, आप ज्वाइंट सचिव है, जल्दी से जो भी पूछना चाह रही हो चैट में लिखें अपना नाम, जल्दी। अच्छा, जल्दी जो पूछना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, जेंगेजेस का वर्क क्या है? तो मेरी कंपनी का वर्क क्या है, देखिए जेंगेजेस का मतलब है, जेंगेजेस को तोड़ेगा तो उसमें इंगेज होता है, और जब आप इंगेज होती हैं आप कमिटेड हो जाती हैं, तो हम कमिटेड हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है, और हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि इंडिया में स्पेशली बिहार में कितने लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक इंडस्ट्री को चाहिए,
जो एक कॉर्पोरेट को चाहिए और जो एक बच्चे के पास है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बिहार में आके आप पूछ ले, कोई एमए है तो डबल एमए है तो कोई पीएचडी है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि जो एक स्किल इंडस्ट्री को चाहिए वो तो है ही नहीं। ना वो ईमेल लिख सकता है, ना वो एक्सेल पे काम कर सकता है, ना एक प्रेजेंटेशन बना सकता है, तो कहाँ जॉब मिलेगा, ना वो प्रेजेंट कर पाएगा। तो ये सारे स्किल्स है वो हम देते हैं और हम बिहार के लिए ही अभी जोर शोर से काम कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे रोजगार को क्रिएट कर पाए, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट कर पाए। तो हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आप लोग हो गए 24 लोग हैं, इसमें 25 लोग हैं, इसमें अलग अलग हमारे पास ट्रेनिंग है। आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं लेके जा पाएंगी आप कहीं ना कहीं। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सॉरी मैम जी, अब चूंकि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। और भावना भूषण का एक क्वेश्चन आया है सर। देखिए हम अपना नंबर भी दे दिए हैं। इफ आई एम डीलिंग फिटनेस डाइट फूड सर्विसेज व्हाट शुड बी माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो भावना बोल रही है कि इफ आई एम डीलिंग विद फिटनेस डाइट फूड सर्विसेज तो फिटनेस डाइट व्हाट शुड बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सी योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज वेरी बिकॉज सी आपका बिजनेस मॉडल शुड बी वेरी यूनिक। आप जिस इंडस्ट्री में हो फिटनेस डाइट का जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा मार्केट है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। मैं कल्पना जी को एक वीडियो भेजूंगा आफ्टर दिस सेशन और मैडम वो वीडियो आप प्लीज भेजिएगा भावना भूषण जी को। भावना जी को जी जरूर जरूर और ग्रुप में ही डाल देंगे सर। उसमें क्या है ना सर, हमारी मैक्सिमम महिलाएं तीन ही क्षेत्र से हैं, एक फूड और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, मतलब टेक्सटाइल फूड और हैंडीक्राफ्ट, इसी से है मैक्सिमम लेडीज। तो हम वो वीडियो को ग्रुप में डाल देंगे। और एक और चीज अब हम समाप्त करते हैं और क्लियर करते हैं कि सर रवि सर से भी और आप सब से भी एक बात का कमिटमेंट किया जा रहा है कि आप लोग कोई भी ये परेशान ना हो कि ये आए थे अब इनसे कॉन्टेक्ट कैसे होगा। WECS से अब ये लोग अस्थाई लाइफ टाइम जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जितना इसी के लिए WECS इन लोगों से जुड़ रहा है, जोड़ रहा है, इन लोगों का इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल इनके लिए आसान नहीं है। तो WECS सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और सभी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अभी हम अपने विजन मिशन प्लान को एलोबरेट करने के लिए सारे मेंटोर्स से मिलेंगे और ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और रवि जी का इतना अच्छा सेशन हुआ, इतना मतलब सभी लोग कनेक्ट किए कि हम ये इनका एक दिन इनसे टाइम लेके और कॉमन मेंबर के लिए 2 घंटा का अलग से सेशन करेंगे। हमारे सारे मेंटोर्स जो भी 1 मिनट सर, और भी क्लासेस आपकी चाहिए, बहुत अच्छा लगा सर सही में। थैंक यू ऑफ कोर्स मेरे पास प्लीज। ये कौन ये बात बोली है, रितु नाम, रितु जी जब निश्चित रूप से आपको डिस्टर्ब किए आप, नहीं आपने हमारी बात को नहीं सुना, ठीक है। और हम जो बोल रहे थे अगर उसको सुन लेती तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो और इस चीज को आप लोगों को सीखना होगा। ये धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है तो अब फिर बीच में आप लोग चैट में लिख सकती हैं, लिखती थैंक यू सर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर जो लिख रही हैं सब लोग, तो ये सबको सीखिए, ठीक है जी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे रवि शंकर सर का। विभास जी भी हमारे 20 मिनट से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझ जाइए कि हमारा हमारे ट्रेनर्स इतने उत्साहित हो चुके हैं। ये आप जो भी 20 लोग जो भी अच्छे से सुन रही हैं सबके बारे में हम बता देते हैं कि सब हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड महिलाएं हैं तो और जागरूक हो चुकी हैं। तो हम आप लोग से फिर से आग्रह करेंगे कि अब शायद 10 दिन का सेशन हो चुका है, अब सारे अनुशासन को प्लीज प्लीज फॉलो किया जाए, वीडियो ऑन रखा जाए, सही तरीके से चैट का यूज किया जाए ताकि ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हम लोग बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं तो हम लोग खुद तो डिसिप्लिन में रह ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि सर का। और हम सर जल्द ही कॉमन आपको बताए भी थे कि हम कॉमन में ये तो
लीडर्स का प्रोग्राम चल रहा है, कॉमन को अलाउ नहीं है, तो हम कॉमन मेंबर्स का एक दिन आप प्रोग्राम करेंगे, और आपका तो ये कॉमन मेंबर पर चला ही जाएगा, लेकिन दुखद है कि कोई वीडियो देखती नहीं है। ये कॉमन ग्रुप पर जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है मैं कॉमन ग्रुप पर भी डालती हूँ, तो वो वीडियो अगर कोई देख लें तो उनको रवि सर को सुन लेंगी, और लाइव भी चल रहा है। तो अब सर हम खत्म करते हैं क्योंकि 20 मिनट से विभाग सर जी, जी विभाग सर भी इंतजार कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाय जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत सर विभाग सर, बहुत बहुत स्वागत सर। और रवि सर 2 मिनट, रवि सर आप 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि विभाग सर हमारे मतलब हमारे WECS को 2 ही दिन में बहुत अच्छी तरह समझ गए, जैसे आप 1 दिन में समझ चुके हैं। तो विभाग सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, आपको बताया भी अभी हमारा प्रोग्राम उल्टा पुल्टा जो हुआ इसी कारण। तो विभाग सर कोशिश कर रहे थे कि अपनी फाउंडेशन के मैडम को लाने का, और उसी अनुसार इन्होंने PPT बना लिया था, लेकिन कुछ शायद तबीयत खराब या कुछ कारण बस मैम नहीं आ पा रही हैं। या सर कोशिश किए हैं क्या लाने का? यस, प्लान किए हैं उसके लिए। जी जी, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत जी। अब हम आपको हम दे रहे हैं सर, हम अब शुरू हो गया आपका। नहीं, जी अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि रवि जी ने जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी है उस चीज को लेकर के, मेरे ख्याल से रवि जी अगर आपको थोड़ा और समय स्लो बना हुआ था और जो बात कर रहे थे और आपका भी था, तो ये जो आपने जो बनाया है रवि जी बहुत ही कमेंडेबल है, और आपके सारे जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से वुमन एम्पावरमेंट के लिए, और हम लोग उसे सेपरेटली एक बार कनेक्ट करेंगे जरूर, और उस हिसाब से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो रवि सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम आपने, बहुत अच्छा जानकारी दिया हमें, और हम लोग चाहेंगे कि इस लेवल पे जो भी हम लोगों ने भी सर आप भी अपना परिचय दे दें तो रवि सर को भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी फाउंडेशन खड़ा करते हैं। तो जी जी, ये एक जागृति फाउंडेशन है जिसका भी उद्देश्य है, सारे वुमन एम्पावरमेंट का ही उद्देश्य है जागृति फाउंडेशन का। मेरे ख्याल से जो मैडम ने बताया, अभी मैं कोशिश कर रहा था जागृति फाउंडेशन के मैडम को इनवाइट करने के लिए, तो जस्ट वन सेकेंड, जस्ट मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, उनको कोई सहयोगी अगर ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद। नहीं तो सर आप कंटिन्यू करिएगा, कोई मेरा PPT मैंने भेजा था कल्पना मैडम, आपने देखा है तो आप उसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? तान्या जी, मैं कोशिश करती हूँ। तान्या वो PPT अभी हम ग्रुप पर डाल रहे हैं, आप शेयर कर पाओगे या नहीं कर पाओ वो क्लियर करो, चूंकि हम वहाँ हैं नहीं, या ज्ञान को कॉल करके बोलो कि ये PPT को शेयर करें, हम उसके पर्सनल पर भी भेज रहे हैं। जी सर, कब तक कंटिन्यू किया जाए, आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि जो जागृति फाउंडेशन की जो मैं जी जी ला रहा हूँ उनके उसके लिए मैं मैसेज करा था जी। तान्या मैंने भेज दिया है आपको। ऐसे सर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो जाएगा, हो गया सर।
स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, हो जाएगा। वन मिनट मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, स्क्रीन शेयर करो। तन्या उसे पीपीटी मैंने भेज दिया है आपको। दिखाई दे रहा आपको पीपीटी? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो आज के एजेंडा में जो नेटवर्किंग और पार्टनरशिप है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। जी स्क्रीन आ गया सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ गया है। ओके, तो आज का जो एजेंडा है हम लोगों का कि नेटवर्किंग और पार्टनरशिप आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर हम लोग तीन बिंदुओं में बात करेंगे। ये नेटवर्किंग पार्टनरशिप क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसको कैसे करना चाहिए। तो इन तीनों के जो सबसे हाई लेवल ओवरव्यू है इसके बेसिस पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दूंगा, उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस टास्क वो करेंगे। सो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने के लिए मैंने जागृति फाउंडेशन के लिए, जागृति फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं रजनी मैडम, उनसे बात करी थी। तो शायद आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज एक मिनट में चेक करो तुम सब ज्वाइन किए कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो पा रहा है मैडम? जी जी इसमें गाड़ी में थोड़ा सा साउंड आएगा। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे, जैसे आज रवि जी का जो हमारा सेशन रहा उसमें उन्होंने काफी जानकारी दी कि ये नेटवर्किंग और पार्टनरशिप क्या है, कोई एक पार्टिसिपेंट बताना चाहेंगे? हेलो जी, आवाज आ रही है सर, कोई बताना चाहेंगे प्लीज बताइए। नेटवर्किंग है जब दो चार के ग्रुप में जुड़ करके एक दूसरे के साथ काम किया जाता है, और किसी में जो अच्छाई है उसको लेकर के, तो वो नेटवर्किंग कहलाती है। तो एक सिंपल शब्द में अगर हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हैं जहाँ पे हमारा कॉमन पर्पस है कि हमारे नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारे रिसोर्सेस को शेयर करना, जिसके साथ हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ ग्रो करें। तो एक जो मेन पर्पस है नेटवर्किंग का वो है अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ के एक शेयरिंग के भाव से कॉमन गोल को अचीव करने वाली बात। तो नेटवर्किंग जैसे आप सब लोग अलग अलग, आप फूड सेक्टर से हैं, कोई टेक्सटाइल सेक्टर में है और सेक्टर से, यही है मैडम अपने जो ग्रुप हैं सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट इसी इंडस्ट्री सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अभी जैसे आपका स्केल है, आपका ग्रोथ है, और उस ग्रोथ के लिए जो हमें देखना है, उस ग्रोथ के लिए हमारे ज्वाइन कर रहे हैं सेकंड
ओके, तो ये जो है हमारा जो वाट है जो नेटवर्क, हमारी आवाज आ रही ना मैडम? थोड़ा सा सर लगता है गाड़ी चल रही है ना, उसकी वजह से। जी जी जी, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत कटता है बीच में, लेकिन जी जी देखिए मैं ब्रीफली कवर कर लेता हूँ जो मुझे कवर करना है। जी 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 जी, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है जी। ये क्या है? लाइक माइंडेड पीपल का एसोसिएशन है, और इसको शेयर करना है कैसे, हमारा कॉमन पर्पस के हम पास शेयर करें और दूसरे हम लोग साथ में ग्रो करें। और ये क्यों जरूरी है नेटवर्किंग और पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इससे अपने खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे नए नए रेफरल्स मिलते हैं, नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग सब ग्रह नक्षत्रों का मिलन होता है कि कब कौन किस समय किसके साथ मिलना है, किसको मिलना है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो फ्रेंडशिप भी निकलती है और साथ साथ आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की किसी दूसरे सेक्शन में, किसी दूसरे चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वर्टिकल इंटीग्रेशन उनके लिए होता है। और ये क्यों जरूरी है? ये आपके खुद के रेपुटेशन के लिए जरूरी है, और ये एक्सपर्ट जो एडवाइस जो आप ले सकते हैं वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए ये चीजें आपको जरूरी होती है। तो ये व्हाट और वाई आप लोगों को क्लियर हुआ? ये जी सर, एक बहुत ही सिंपल इसमें समझा रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक इसको जमीनी तौर पे हम लोग नहीं समझेंगे उसकी बेनिफिट नहीं समझ में आएगी। इसलिए क्यों और क्या हमने देख लिया। अभी कैसे वाले के अगर बात करें तो हाउ वी कैन डू इट, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। एक तो जिस जिस क्षेत्र के हम लोग हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों में एक इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस होता है, बॉडी होती है, ट्रेड शोज होते हैं। किसी आप लोगों को मालूम है ये चीज? इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड शो। हाँ, अभी जैसे कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हर इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है वो सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो उसके लीडर्स हैं, जो उसके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे लोग अपने उस कॉन्फ्रेंस में आकर के नॉलेज शेयरिंग करते हैं। जैसे मैं फूड एग्जाम्पल इंडस्ट्री के बारे में बता दूं कि फूड का इंडस्ट्री का एक है आहार, आहार के बारे में आप लोग किसी को मालूम है? आहार करके एक ट्रेड शो ऑर्गेनाइज होता है, किसी को मालूम हो तो प्लीज बोलिए, नहीं मालूम है तो। So, अभी जैसे आपका टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में भी रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपके बहुत सारे ट्रेड शोज और कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इन सारे कॉन्फ्रेंसेज में अगर आप जाएंगे तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्री के बारे में, जो ये लेटेस्ट नॉलेज है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसमें जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सारी चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। सर थोड़ा सा आहार के बारे में दो लाइन बता दिया जाए, आहार क्या है? आहार एक फूड इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी, मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा और मेरे हिसाब से वो आप लोगों को जाना चाहिए। जो भी फूड इंडस्ट्री में है आप लोग, वो फूड इंडस्ट्री में आहार एक ऐसा इवेंट है जो पिछले 36 सालों से होता आ रहा है, और उसमें सिर्फ इंडिया के नहीं इंटरनेशनल लेवल के सारे कंपनीज, गेस्ट और एक्सपर्ट सारे लोग आते हैं। एक करीब करीब ये कॉन्फ्रेंस आपका 4 दिन चलता है। ये सर सिर्फ कॉन्फ्रेंस का नाम है या कोई इंडस्ट्री का नाम है या? ये कॉन्फ्रेंस है, ये ट्रेड शो कॉन्फ्रेंस है। जी जी जी, तो उसमें स्टॉल मतलब कॉन्फ्रेंस भी होता होगा और स्टॉल भी लगता होगा। इसमें आपको फूड इंडस्ट्री के A to Z, सुई से लेके हाथी जी, सब मिल जाएगा। सुई से लेके के वायुयान सब मिलेगा आपको फूड इंडस्ट्री का। जी जी जी, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या पैकेजिंग यूज होगा, क्या मशीनरी है, किस तरह से आपको मार्केटिंग करने की, सारी की सारी चीजें। तो उसमें क्या है, अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इस आहार के साथ आपको हमेशा बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हो नहीं रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलती है। सर इसमें थोड़ा सा हम यही आपको भी और महिलाओं को भी बताना चाहेंगे कि जितने सारे एडवाइजर और मेंटोर और हमारे ये ट्रेनर्स आ रहे हैं, यही चीज का हमारा विजन मिशन एलो
कोलैबोरेट करेंगे। अब सर सबसे अलग अलग भी हम मिलेंगे, जो हमें दुनिया मतलब मैक्सिमम जानकारी हमें भी नहीं है कि हम कैसे सबको मार्केट दिलाएंगे, कैसे हम अपना काम करेंगे, तो यहीं पर एडवाइजर और मेंटोर की जरूरत होती है। आप लोग मार्केट बस यहीं पर खोजते रह जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है जो WECS टाई अप करके रखेगी। तो सर तो ये यही है आज जो टॉपिक है, यही है आप कहाँ कहाँ से पार्टनरशिप कर लेगी WECS जो मैक्सिमम महिलाओं को मार्केट फंडिंग या जानकारी या स्किल दे पाएगी, तो उसी का ये पार्ट है। जी सर कंटिन्यू। मेरे ख्याल से चित्रे सर आ चुके हैं। चित्रे सर आप हैं मीटिंग में? सर मैं आ गया हूँ, यदि आप 5 मिनट का और मुझे समय दे सके। श्योर श्योर ओके ओके। चित्रे सर तो बहुत देर से हैं सर। अच्छा जी जी, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। बहुत देर से था पर जी जी, इसका मतलब अच्छा बात है सर, आप भी कुछ सुन लिए होंगे तो मुझे नहीं मालूम था कि आप, अच्छा आप जागृति फाउंडेशन से हैं सर। जी मैडम, जी मैडम, जी 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 ठीक है सर, 5 मिनट बाद आप जुड़े सर। जी जी, 5 मिनट बाद इनवाइट करूंगा सर। तब तक मेरी बात जो है वो मैं अपने डियर पार्टिसिपेंट के साथ रख देता हूँ, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय चित्रे सर आपके साथ थोड़ा सा स्पेंड करें, ताकि आप लोगों को भी एक अलग एनर्जी, अलग पॉजिटिविटी, अलग मोटिवेशन मिले। और यही कारण है कि मैं आज चित्रे जी को भी इन्वाइट किया हूँ आज की मीटिंग के लिए। तो जी, आप लोग का कोशिश बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत मतलब आप लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं WECS को, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राइट राइट। तो ये ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड शोज के बारे में बता रहा था मैं, जो आहार वाला जो होता है, उस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हो तो उसका भी आप आता है। सो अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग ट्रेड शो, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आज के डेट में क्या नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, हमें क्या क्या चीजें जानना चाहिए, मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको तभी मालूम होगी जब आप, और ये जो है आपका एक मुंबई में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, इंटरनेशनल जर्मनी फ्रांस सब जगह पे होता है। अब जिसकी जिसकी जहां जहां अभी आजकल क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें अब ऑनलाइन होने लगी थैंक्स टू कोविड, अब सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी है, और ये सारा का सारा चीज आपको वर्चुअल होने लगा है। जैसे हम लोग ये वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, इसमें ये भी वर्चुअल मीटिंग है जहाँ पे आप अलग अलग इंडस्ट्री के नेम्स का उसके स्टॉल पे जा सकते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उनके प्रतिनिधियों के साथ में आप अपना मीटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेटवर्किंग और पार्टनरशिप के ऊपर होती है, और कोलैबोरेशन और ट्रस्ट जो दो चीजें रवि जी ने बताई थी, वो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कीवर्ड है ये नेटवर्किंग और पार्टनरशिप कंसेप्ट के लिए। क्योंकि हमें कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे हम जैसे ट्रस्ट के बारे में जो एग्जांपल दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि अगर जैसे हम लोग किसी दिल्ली में जाते हैं, वहां पे कोई बिहार बिहार के दो लोग मिल जाते हैं, तो हमें एक थोड़ा सा एक अलग सा अपनापन दिखाई देता है। तो ये नेटवर्किंग और पार्टनरशिप में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, सो दूसरी चीज होगी अपने जो इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेड शो के बारे में अगर कोई सवाल हो तो हम लोग एंड ऑफ द सेशन में ले सकते हैं। फिलहाल मैं ये सारा पॉइंट्स कवर करके मैं हैंडओवर करना चाहूंगा जागृति फाउंडेशन के को ओनर और डायरेक्टर ऑफ फेबिना ग्रुप एंड को फाउंडर ऑफ फेबिना ग्रुप चित्रे सर को। सो सोशल मीडिया चैनल जिसके बारे में चित्रे सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, मैं एक ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया चैनल्स आज के समय में जितने भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे चैनल्स हैं, इनसे आप बहुत अच्छे नेटवर्किंग, बहुत अच्छे कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हमें धीरे धीरे हर लेवल पे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो ये नेटवर्किंग ऐसे भी करनी चाहिए कि जैसे कल्पना मैडम का ये प्रयास है कि एक्सपर्ट्स लोगों को रीच आउट करके और उनसे क्या क्या सलाह ली जाए, कैसे कैसे ग्रोथ किया जाए, तो आप अपने इंडस्ट्री के पहले एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि हमारे इंडस्ट्री में ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, और उसके बाद आप रीच आउट करें। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कि शेयर करने से बढ़ती है, तो हमेशा
नॉलेज को लेने के लिए एक विनम्रता पूर्वक हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप सब लोग जो जो आप लोगों ने अपना अपना गोल सेट किया है एज अ लीडर, अपने अपने इंडस्ट्री की, अपने अपने प्रदेश की, अपने अपने प्रांत की, जो आप लोग लीडर्स हैं, आप सब लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे। और रवि सर है, चित्रेश सर है, सब लोगों का हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए, क्योंकि जैसे आप बढ़ेंगे सारा देश बढ़ेगा। सो चित्रेश सर, और हमारे साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप है और हम लोग एक अलग लेवल पे काम करते हैं। और चित्रेश सर की सबसे बड़ी बात है कि ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी जी सर, जी सर, हम तो उसके फैन हैं, बहुत सुनते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल पार्टनर्स हैं चित्रेश, जो कि पुणे में बेस्ड है। और जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा चैनल के सबसे पुराने चैनल पार्टनर्स में से एक हैं चित्रेश जी। और चित्रेश जी ने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके आप लोगों के साथ बात करने के लिए 10 मिनट निकाला है। तो चित्रेश सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्लीज कम। और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं और अलग अलग। धन्यवाद विभास सर, हम इधर का परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 2 मिनट में सर को दे देते हैं। सर WECS एक बन रहा एसोसिएशन है, बना हुआ एसोसिएशन नहीं है, जो पिछले 5 साल से करीब करीब 500-600 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं और कुछ अब गांव में जो कि नहीं है व्हाट्सएप पर वो भी हो चुकी है। तो हम लोग अभी सर एस्टेब्लिश हो रहे हैं और हमारा ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हमने डन कर लिया है, बेसिक काम हमारे हो गए हैं। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम ये कई काम एक साथ कर रहे हैं और इसका एक लाइन में सर विजन मात्र है कि ओनली बिहारी, बिहार की महिला उद्यमियों के लिए काम करना, जो हैं उनको आगे बढ़ाना, जो नहीं है उनको बनाना। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होगा, कोई शहर या गांव नहीं होगा, सारे को एक साथ लेके चलना है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर, ये हमारे इस 5 साल में मंथन करके हमने 30 लोगों को निकाला अब तक, जो 30 लोग ये हमारे हार्ड कोर लीडर बनेंगे। और इस उन्हीं का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनके धैर्य, संयम और साहस और दयालुता और बेनिफिट और इनके इंटेलिजेंसी सब चीज का यूज होने वाला है। तो हम ये ट्रेनिंग खत्म होने पर हार्ड कोर लीडर अपना चुनने वाले हैं। तो ये ओनली लीडर्स का प्रोग्राम है सर, और आप के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बहुत बड़े फैन हैं और जब भी हमको समय मिलता है, चाहे गाड़ी में चाहे घर में, तो हम किसी तरह का टीवी और मनोरंजन और सिनेमा तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन लगातार इस तरह के देखते हैं वीडियो को, जिसमें विवेक बिंद्रा को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि विभास सर के द्वारा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और आप अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कल्पना मैडम फॉर इंट्रोडक्शन। और कल्पना मैडम, मैं आप सभी सारे हमारी बहनों से मैं पहले समझना चाहूंगा कि आपको पर्टिकुलर ये नेटवर्किंग सब्जेक्ट में या रिलेशनशिप सब्जेक्ट में, कोलैबोरेशन सब्जेक्ट में, आपके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी दुविधाएं हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? आप थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में बताओगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उन चैलेंजेस के सोल्यूशन बता पाऊंगा। इसमें सर हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है, ये एसोसिएशन को पार्टनरशिप या MOU या किसी तरह का इस तरह का काम करना क्यों जरूरी होता है और वो मतलब किस लिए होने से क्या फायदा होता है, उस पर फोकस है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल में पार्टनरशिप जो बिजनेस में होता है वो हमारे CA आएंगे और बताएंगे। अभी हम लीडरशिप को ये बताना चाह रहे हैं कि MOU या पार्टनरशिप क्यों जरूरी है संस्था के लिए।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। तो और किसी का कोई सवाल हो तो थोड़ा सा मुझे और जी, और कोई भी ममता आप कुछ अपना WECS के विजन के साथ कुछ रखिए, सचिव है हमारी ममता जी। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी सवाल यह है कि हम जब WECS के लिए कुछ भी करने जाए, मतलब जैसे आपने कहा कि नेटवर्किंग में क्या प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग किन्हीं को ये कन्विंस नहीं कर पाते उन लोगों के टाइम में से, कैसे वो WECS के लिए टाइम निकाल पाए ये नहीं हम कर पाते हैं। मतलब जो हम लोग जिन पे हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत भरोसा करते हैं और जिनके कंधे पे बहुत जिम्मेवारी दिए हुए हैं, हम उन्हीं को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि जब हम अपने इतने जिम्मेवार लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो हम नॉर्मल लोगों को, सदस्य को, मेंबर को कैसे एक धागा में बांध पाएंगे, एक माला बना पाएंगे, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा सिलसिला खड़ा करेंगे बिहार में, जो हम लोगों का ड्रीम है कि हर घर में कुटीर उद्योग लगे, हर घर में उद्योग लगे, ये हम लोगों का जो नारा है वो, उसमें हम कैसे सक्षम होंगे। उसके लिए जब तक हम लोगों को 10-20 मजबूत कंधे नहीं मिलेंगे, हमने सेलेक्ट भी कर लिया, चुन भी लिया, पर और वो लोग बहुत जिम्मेवार भी हैं, समझदार भी हैं, बोलते भी हैं कि हम जिम्मेवारी लेंगे, पर वो लोग की भी प्रॉब्लम है कि वो लोग समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे, उस पर थोड़ा सा जोर देंगे तो हम लोगों को आगे WECS के लिए काम करने में आसानी होगी जी। और इसमें थोड़ा सा हम, ममता चूंकि हमेशा हमारे साथ जाती हैं, तो ममता हम लोगों को ये भी फेस करना होता है कि जब हम MOU करते हैं, करने जाते हैं, तो उनको एक चाहिए, वो देखना चाहते हैं कि आपके साथ कितनी महिलाएं हैं और वो मतलब आपके कोर कमेटी में कौन है और कौन कौन आपके अलावा बोल रही है। तो ये उसी के लिए ये लीडरशिप प्रोग्राम है कि ममता और कल्पना के अलावा भी हमारी बातों को बड़े बड़े फ्रंट पर या दूसरे संस्था के पास अपनी बातों को रख पाए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी और कल्पना की कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि हम दोनों के नाम में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन ममता है कौन कल्पना है। हम लोग और ऐसे ही हम ये सबको बनाना चाहते हैं कि हम हमारी सारे लीडर के साथ हो हमारा, कि हम लोग में से हर किसी को सिर्फ WECS के रूप में जाने, मतलब नाम में अंतर करना भूल जाए। मतलब ऐसे हम कैसे उन लोगों को अपने काम से जोड़ पाए। और जहाँ तक बात है सर जी, जहाँ तक बात है कि जब संस्था मजबूत हो जाएगी तब तो फिर वो इंडिविजुअल के ही हम काम करेंगे। जब हम MOU हमारी हो जाएगी बड़े बड़े जगह से, तो जिस जिस चीज के लिए सब परेशान है, मार्केटिंग के लिए या स्केलिंग के लिए या मेंटरिंग के लिए, वो तो हम आसानी से कर पाएंगे, दे पाएंगे सबको इंडिविजुअल को, यही हमारा उद्देश्य है सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझा मैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप लोगों की समझ में आई, मैं फोन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं विभास सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा म्यूट कर लें प्लीज, और ऑन वीडियो ऑन रखें तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, कंटिन्यू सर। तो सबसे पहले तो मैं विभास जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सबका थोड़ा मार्गदर्शन कर सकूं। फिर मैं कल्पना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके लिए कुछ कर सकूं। और ममता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समस्या को मुझे समझाया। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, विवेक बिंद्रा जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी और को दोगे तो वो उस चीज को तब तक 100% कमिटमेंट के साथ उस पर काम नहीं करेगा जब तक वो उसको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझने लगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिम्मेदारी देना और स्वयं से वो जिम्मेदारी ले ले। तो जैसा कि आप सभी 30 चुनिंदा लोग हैं इस पूरे ग्रुप के, तो सबसे पहले हमें हमारे ग्रुप का विजन मिशन को इतना वेल डिफाइन करना है कि रात में सोते समय भी किसी भी टीम के लीडर से, किसी भी ग्रुप के लीडर से जब आप आधी रात में भी पूछें कि भैया हमारे WECS का विजन क्या है, हमारे WECS का मिशन क्या है, तो रात में 2 बजे उठाने पे भी उसके दिमाग में, उसके शब्दों में वही बात निकले जो हमारे ग्रुप का विजन और मिशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
और जब आप ये विजन मिशन किसी के साथ शेयर करें तो वो विजन मिशन के बारे में बात करते समय आपकी आंखों में, आपके बात में, आपके शब्दों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका अपनापन दिखना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर कमिटमेंट दिखना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम लें कि आपके घर में आपका बच्चा खेल रहा है या कहीं अनजान जगह पे आपका बच्चा खेल रहा है, तो आपका आपके बच्चे के प्रति जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बॉडी लैंग्वेज से दूसरी महिला जज कर लेती है कि यार ये बच्चा पक्का कल्पना मैडम का बच्चा है। व्हाट माय पॉइंट होता है ऐसा, आप सभी क्योंकि नारी शक्ति है तो मैं उसी हिसाब से आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इसीलिए ममता को हमने कहा कि चूंकि वो एग्जैक्ट समझ चुकी हैं और अभी सबका लीडरशिप अभी समझना बाकी है, तो वो मेरे बाद वही क्लियर कर पाएंगे इस विजन को। जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने बोला, जब आप कहीं भी अनजान जगह पे अपने बच्चों के साथ हैं तो वहां पे दूसरी महिला तुरंत नोटिस कर लेती है कि ये बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना जी का ही होना चाहिए। आपका आपके बच्चे के प्रति झुकाव या आप जिस तसल्ली से, जिस शिद्दत से उसको वॉच करते हैं, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो आपका बच्चा है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विजन मिशन आपको उसी तरीके से बड़ा करना है जिस तरीके से आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उस समय, जब मान लीजिए बच्चा पैदा होता है, तो वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद अपने हाथ पैरों से हरकत करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार संस्था होती है। जब आपने संस्था को शुरू किया तो बहुत फड़फड़ाती है, होता नहीं है। स्टेज पे मान के चलिए कि जिस स्टेज पे बच्चे पैदा होने के 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद होते हैं कि वो अपने हाथ पैर तो पूरे चलाते हैं पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी दुकान, कोई भी चीज है, जब उसका जन्म होता है तो वो अपने पूरे एफर्ट लगाने की कोशिश करता है, वो अपने पूरे एफर्ट लगाने की कोशिश करती है, पर उस एफर्ट्स पे तुरंत कोई भी आउटपुट नहीं आता है। फिर जब बच्चा 3 महीने 4 महीने का होता है तो करवट लेना शुरू कर देता है। करवट लेने के बाद और 3 महीने निकलते हैं, फिर वो उल्टा हो जाता है, पेट के बल लेटना शुरू हो जाता है। पेट के बल लेटने के बाद हल्का हल्का जब वो हरकत करता है तो थोड़ा आगे होना शुरू होता है, रेंगना शुरू कर देता है। रेंगने के बाद और 3 महीने निकलते हैं, फिर वो अपने 2 हाथ और 2 पैरों के दम पे उठ के अपने पेट को जमीन से ऊपर करके 2 हाथ और 2 पैरों का सहारा लेके थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है। फिर और 2 महीने निकलते हैं, फिर उसके बाद वो किसी का सहारा लेके खड़े होने की प्रयास करता है, और जब खड़े होने का उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो आपकी उंगली पकड़कर एक एक कदम संभाल संभाल के रखता है। ठीक इसी स्टेज में हम लोग सर हैं अभी। थोड़ी सी आवाज कट रही है, सारी स्माइल आ जाएगी। इसके बाद वाला स्टेप जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सबके चेहरे पे है ना बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी जी। तो इस स्टेज पे आने के बाद जब वो आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है और आप उसको सहारा दे के चलना सिखाते हो, थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप में से कोई भी महिला मुझे ये बताए, किसी ने अपने बच्चे को दौड़ना सिखाया है क्या? नहीं। सिखाया किसी ने दौड़ना? नहीं, बस चलने तक पकड़ना पड़ता है। चलना सब सिखाते हैं, चलना आप सब सिखाते हैं, पर दौड़ना किसी ने भी अपने बच्चों को नहीं सिखाया। जिस दिन उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है चलने का, जिस दिन उनको क्लैरिटी मिल जाती है, जिस दिन उनका विजन मुझे किसी और से पहले इस चीज को हासिल करना है, तब उनको दौड़ना अपने आप आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को वो चीज सिखानी नहीं पड़ती है।
तो अभी आप लोग जिस स्टेज पे हैं, अभी आप उंगली पकड़ के चल रहे हैं, थोड़े दिन लगेगा, उंगली पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, आपने अपना बैलेंस बना लिया है, आपके बैलेंस बनने के बाद थोड़े दिन सहारा लेके आपको किसी और का चलना पड़ेगा, और एक बार जब आप चलना सीख जाएंगे उसके बाद दौड़ने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही बहुत तेजी से दौड़ेंगे और स्वतः ही वो चीज हासिल कर लेंगे जिस चीज के लिए आपने दौड़ लगाई है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जो भी 200% चैट बॉक्स में यस जरूर लिखिए, मुझे समझ में आ रहा है। ग्रेट एग्जांपल है सर। यदि आप सब चैट बॉक्स में यस लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं अपनी बात आप तक ठीक तरीके से पहुंचा पाया। थैंक यू सोनाली जी, प्रेरणा जी, रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच, सुशीला जी, थैंक यू वेरी मच। सो एक संस्था, जब संस्था में आज जैसे कल्पना मैडम ने, माधुरी मैडम ने, रश्मि जी ने, अंजना मैडम ने, आप सब ने जिम्मेदारी समझी कि मुझे ये काम करना है, तो थोड़े दिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहेगी। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल इसी से कनेक्ट करके बताता हूं। आप सब जब कार पे कहीं घूमने जाते हैं और मान लीजिए बारिश का या जाड़े का समय होता है, तो उस समय पे जब धुंध आती है, फॉग आता है गाड़ी के सामने, तो हमारी गाड़ी की रफ्तार एकदम न्यूनतम पे चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलती है। जैसे जैसे धुंध क्लियर होती जाती है, वैसे वैसे 10 से 20 पे गाड़ी आ जाती है, 20 से 40 पे आ जाती है, 40 से 70 पे आ जाती है, और 70 से फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है। जैसे ही धुंध क्लियर हो जाती है, सिमिलर तरीके से जब आप अपनी संस्था के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके, इंटरनल स्टेक होल्डर, आप सब इंटरनल मेंबर, जब अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके जब क्लैरिटी ले आएंगे, आपके गोल में क्लैरिटी आ जाए, आपके विजन में क्लैरिटी आ जाए, आपके मिशन में क्लैरिटी आ जाए, जैसे जैसे आपकी गाड़ी के सामने से धुंध खत्म होना शुरू होगी, वैसे वैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें इस मौके पे लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, लगातार अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को साथ में बिठा के समझना पड़ेगा कि और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। प्लीज अंजना जी आप अपना म्यूट रखें, बार बार आपका अनम्यूट हो जाता है। प्लीज अंजना जी, सब लोग अपने म्यूट का चेक करते रहे प्लीज। क्लैरिटी आपके दिमाग में, सेम क्लैरिटी हर व्यक्ति के, हर स्टेक होल्डर के, हर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के, थोड़ा बहुत कटता है सर, लगता है रास्ते में है इसलिए थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लगता है चूंकि गाड़ी में है सर इसलिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आ जाएगा। थोड़ी सी आवाज कट रही है सर आपकी। मेबी आप रीजॉइन कर, आप डिस्कनेक्ट करें फिर से करें। आने के बाद आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब? जी अब आइए सर, थोड़ा सा वो गाड़ी में होने के कारण होता है, कोई बात नहीं सर। जी सर, तो आपके गोल हो जाएंगे, आपको अपने विजन में भी धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस होता है।
सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बच्चे के जन्म से उसके दौड़ने की थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको मुझे टाइम दे दें तो मैं इस मीटिंग को वापस रिजॉइन कर लेता हूं आप लोग, या फिर इसको हम कल शेड्यूल कर लें यदि आप सब बोले तो। सर कोई बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं तो, और ऐसे ऐसे आप अगर समय निकाल पाएंगे तो हम आपके लिए फिर वो अपना शेड्यूल को सेट करके और तब हम सर आपसे, सर का आपका नंबर ले लेंगे हम विभास सर से, और आपको हम चाहेंगे कि हमें और समय दीजिए। और सर एक बार कोशिश करेंगे कि विवेक बिंद्रा जी का अगर आगे भविष्य में ला सके बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए आप सबके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और वो ऐसा जी, प्रोग्राम जी, करेंगे कि आपके बिहार जी, के कम से कम, वो तो लाइफ चेंज कर देंगे सर, बिहार की कम से कम 1,00,000 महिलाओं को हम जोड़ें तब हम विवेक सर को लाएंगे। जी 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 जानते हैं सर जी, है ना जी, जब सर आएंगे तो फिर सर के लेवल की गैदरिंग हमें करनी पड़ेगी ना सर। हाँ वो सर, करेंगे सर, जल्दी वो समय आएगा, करेंगे सर जी जी। तो अभी इसमें मैं एक तीसरी बात बस और ऐड करना चाहूंगा, एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। जी जी, एग्जाम देने जाते हैं कोई भी स्कूल में, आप सभी ने अपने स्कूल में कॉलेज के टाइम पे एग्जाम दिए होंगे, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो घर से यदि आप घर से स्कूल जाने का टाइम पीरियड 15 मिनट होता है और किसी दिन आप 4 मिनट लेट भी हो गए घर से निकलने में, तो भी आप तय समय के पहले स्कूल पहुंच जाते हैं या कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा एंड गोल क्लियर होता है कि मुझे 8 बजे से पहले किसी भी कीमत पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल में जाने की, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल होता है यदि हम एग्जामिनेशन कमा, तो ये जो एक फियर फैक्टर होता है ना किसी भी गोल को हासिल करने की, जो एक फियर फैक्टर होती है, जब वो आपके दिमाग में एंड, आपके दिमाग में एंड प्रिपेरेशन रहता है ना कि मुझे अंतिम गोल मेरा ये है कि मुझे किसी भी कीमत पे हॉल के अंदर 8 बजे से पहले पहुंचना है, तो अपने आप वो 3 मिनट या 4 मिनट का जो टाइम है वो आप मैच कर लेते। तो डिले कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन समय यदि निवेश कर लिया है तो आपका जो एंड गोल है वो एंड गोल की क्लैरिटी के बाद आपके 5-10 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम आप अपने आप ओवरलैप कर लोगे और आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे अपने आप, बहुत आसान है। तो सर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग को थोड़ा सा सर क्लियर समझाया जाता है, थोड़ा सा 2-3 लाइन। जी जी बिल्कुल बता, बिल्कुल 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 बताता हूँ मैडम। देखिए इसका सिंपल शब्दों में आप ये मान के चलिए, आप 30 के 30 लोगों को भगवान ने एक यूनिक स्ट्रेंथ देके पृथ्वी पे जन्म दिया है। आप 30 क्या, दुनिया में कोई भी 2 आदमी आपको 1 से नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ दी हुई होती है। अब जब आप आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं तो आपको पता चलता है आपकी खुद क्या पोटेंशियल देके आपको पैदा किया है, कुछ जिम्मेदारी दी है वो आपको नहीं पता आज, पर जब आप लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, लोगों के साथ कोई भी एक सिंगल कोर फोकस पे जब आप सब लोग अपना अपना दिमाग चलाएंगे, जैसे आज आपका कोर फोकस है कि आपको WECS को एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और पूरे बिहार की महिलाओं को ऐसा कनेक्ट करना है कि सारे घर में लघु उद्योग शुरू हो सके और हर नारी आत्मनिर्भर हो सके, है ना। तो ये आपका एक क्लियर गोल है, क्लियर मिशन है। अब इस मिशन को लेके हमें रोज 15 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अपने 30 लोगों के बीच में करना है कि चलो भाई अपना एंड गोल क्या है, हमें घर घर में उद्योग लगाना है। चलो इस घर घर में उद्योग लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये 10 चीजें कर सकते हैं।
चलो इस 10 चीजों को हमें चार भागों में डिवाइड करना है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है और मोस्ट अर्जेंट कौन सा है, मतलब जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना है कि भैया ये काम तो हमें सबसे पहले करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले आपको कागजी कार्रवाई करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करना, उसका पैन कार्ड बनाना, उसका बैंक अकाउंट खोलना, ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, बिना इसके आपकी संस्था की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें उन 10 कामों में से सबसे पहले प्रायोरिटी बनानी है कि भैया ये 10 कामों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट कौन से हैं, उसके ऊपर काम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, ऊपर हम काम करेंगे, फिर एंड भी नहीं है, उसको सबसे आखिरी में रखेंगे, और जो किसी भी काम का नहीं है उसको हम लिस्ट में से गायब कर देंगे। ये चार भागों में हमें अपनी लिस्ट बनानी है और ये चार भाग में रोज हमें उस काम के प्रायोरिटी के हिसाब से उसको टाइम देना है। जो काम मोस्ट अर्जेंट है उसको रोज टाइम देना है, जो काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको रोज टाइम देना है, और जो काम बाद में किया जा सकता है तो उसको हम थोड़ा सा टाइम लेके आगे एक्सीड कर सकते हैं। यानी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में सर तीन काम आया, इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो वो सेकंड में आएगा, और जो अर्जेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है वो थर्ड में आएगा, और हम ग्रुप में डिस्कशन करते रहेंगे इन तीनों चीजों का जी। और उसमें हर किसी को इनिशिएटिव लेके ये कहना है कि भाई साहब या मेरे ग्रुप मेंबर को ये बोलना है कि ये वाला काम करने की मुझ में स्ट्रेंथ है और इस काम को करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इस काम को करूंगी जी। ठीक, देखिए किसी को खाना बनाने में भगवान ने बहुत अच्छा स्किल दिया है, किसी को कंसल्टेशन करने का अच्छा स्किल दिया, किसी को गाड़ी चलाने का स्किल दिया, उसी का चुनाव सर इसमें कर रहे हैं। ये लीडर्स जो है अपने आप में सब पूर्ण है, लेकिन इनकी खास बात क्या है वो ट्रेनिंग पूरा होते होते हमारे प्रोफेशनल निकाल लेंगे और उसी अनुसार हम इनको जिम्मेदारी देंगे, टीम बनाने के लिए ये कर रहे हैं। बस यहाँ पे ना जी कल्पना मैडम, मैं आपको थोड़ा सा बस करेक्ट करना चाहूंगा, आप इजाजत। बिल्कुल सर कीजिए, बिल्कुल सर कीजिए जी। यहाँ पे ना हमें हमारे लीडर से पूछना है कि भैया तुम कौन सी जिम्मेदारी लोगे जी। लेकिन सर सर इस वर्ड पर रोक देंगे थोड़ा, ये हमने एक बार किया, वो उनके इंटरेस्ट को भी पूछा और वो भी किया लेकिन नहीं करवा पाए, तो इस बार हम सोचे कि अब जो है मतलब एक तो 20 दिन में उसका उनका दिख जाएगा कि किनको इंटरेस्ट है लॉन्ग टाइम, कौन रुकती है और किनको सीखने में इंटरेस्ट है, और प्रोफेशनल की नजर से ये देखेंगे कि किन में क्या गुण है। इसके लिए मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा कल्पना मैडम, इस काम को जी, करने जी, उसके लिए हमको जी जी वर्क चाहिए, रेडीमेड फ्रेमवर्क दे दूंगा, और उस फ्रेमवर्क को कैसे प्लीज सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम ये समस्या का जी जी ये समस्या मेरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और जैसे कि जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है पेपर वर्क, वो हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, और अभी जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो आपका है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो, उस वो काम को हम करवा रहे हैं, वो प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, अपना मतलब ब्राउजर प्रोजेक्ट प्लान ये सब लिखवा रहे हैं, और इधर लीडर तैयार कर रहे हैं ट्रेनिंग करके, ये हमारा सेकेंड नंबर में मोस्ट मतलब मोस्ट अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट सेकेंड पर है, तो ये दूसरा है। अब ये तीसरा है अर्जेंट काम, तो उसमें आपका फ्रेमवर्क से जो आप सिखाएंगे उस चीज को हम सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क सारी टीम को देता हूँ, और उस फ्रेमवर्क को कैसे आपको यूटिलाइज करना है उसको भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए किसी भी काम के लिए ना चार अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। एक होता है जो उस काम को करता है, दूसरा होता है जो उस काम को मॉनिटर करता है, तीसरा होता है जो उस काम में जो कमियां होती हैं उन कमियों को सुधारने में मदद करता है, और चौथा होता है जो उस काम की फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। एक पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल समय लगेगा मुझे, तो मैं इस पे आपका पूरा एक सेशन करके दूंगा आप सबको, जिसमें आप सब अपने आप स्वयं से निर्णय ले पाओगे यार ये काम तो 100% मेरी जिम्मेदारी और मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और आप उस काम को बहुत बेहतर करोगे, ये मैं आपको 100% बिना
बिना प्रोग्राम लिए कमिटमेंट देता हूँ कि आप सब उस प्रोग्राम के बाद अपने अपने काम को 100% कर पाओगे। जी सर, इसमें हमारा अगला प्लान क्या है सर कि इस टीम के प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो छनकर निकल कर आएंगी, जो समय भी देंगी और जिज्ञासा भी रखेंगी और सीखने की क्षमता भी रखेंगी और करने की क्षमता रखेंगी, तो फिर हम उनका सेकंड स्टेप में ट्रेनिंग शुरू कराएंगे और उसको साथ साथ कॉमन मेंबर का भी उसमें ऐड कर देंगे ताकि और नए लीडर हमको आ सके। तो उसमें सर आपको हम इनवाइट करेंगे उस प्रोग्राम में फिर से। जब आपका आदेश होगा हम हाजिर हो जाएंगे। सर ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे संस्था के लिए और आपका हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये मतलब विभास सर का भी बहुत अच्छा रहा कि दो दिन में विभास सर ने WECS को इतना समझा और आपका भी टाइम बात करके आपसे लिया, हम लोग बहुत बहुत आभारी है इसके। किसी को कोई सवाल है तो फास्ट में कुछ पूछ सकती हैं। सर दो मिनट आपका और लिया जाए क्या? पूछ सकते हैं जी, 2 मिनट नहीं 5 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत जी, 5 मिनट ये सवाल से एक छोटा सा जी सर एक छोटा सा अनुरोध ये पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग रात में 9 या 10 बजे के बाद मीटिंग करने में कंफर्टेबल रह सकते हैं? नहीं सर ये नहीं हो पाएगा। अभी क्या दिक्कत है सर कि अभी अभी हमारा ये जब हम सबसे कंफर्टेबल टाइम निकाले हैं महिलाओं के लिए तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है और 9-10 बजे रात में तो संभव ही नहीं है अभी सर। हो जाएगा कुछ स्टेज के बाद जब हार्डकोर लीडर हमारे आ जाएंगे ना, अभी हमारे अभी लीडर का चुनाव हो रहा है, जब लीडर आ जाएंगे जैसे अभी हमको और ममता को कहिएगा तो 12 बजे रात में भी हम लोग जुड़ के कर लेंगे, लेकिन अभी हम गारंटी नहीं देते जी। लेकिन अभी हम जी कल्पना हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक दिन हम लोग तो कर ही सकते हैं सर, एक छोटी सी मीटिंग नहीं सर अभी हम और आपके साथ आप जी छोटी मीटिंग कर सकते हैं किसी भी समय सर, एक छोटी मीटिंग आप ममता जी विभास सर और मैं आज रात बिल्कुल जिसमें मैं भी थोड़ा सा समझ पाऊंगा कि WECS क्या है। जी सर जी सर और जी सर उसके बाद हम एक सेशन प्लान कर लेंगे दोपहर में। जी सर जी जी बिल्कुल जी सर। तो 9 बजे सर आप ये जूम सर हम ये जूम बुक करके और हम लोग का ये हम सबको भेज देंगे और कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर इस लीडर ग्रुप में से कोई इंटरेस्ट दिखाएंगी तो उनको भी जोड़ लेंगे, 9 बजे रात में अगर कोई जुड़ पाएंगी तो हम पूछ लेंगे सर और उनको जोड़ लेंगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 5 मिनट सर टाइम दे रहे हैं आप लोग, हम चैट बॉक्स देखते हैं कि अगर किसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के पास हो सर के लिए तो जल्दी से जल्दी और शॉर्ट और फोकस्ड क्वेश्चन बोलें प्लीज, और कोशिश करें इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं हो, वो एक कॉमन हम का क्वेश्चन हो, मैं का नहीं। चैट में तो नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, कोई और है जो क्वेश्चन पूछना चाहे? ममता तुम ही पूछना चाहो तो पूछो, हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को सीखना है। चैट में क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है वो, आई एम इंटरेस्टेड वो मीटिंग के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास कोई है? के साथ बीएस को कैसे आगे ले जाया जा सकता है? किस चीज को? बीएस मतलब हमारे संस्था को कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे ले जाया जा सकता है? ठीक है लेकिन ये तो थोड़ा सा टफ है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर बता दिया जाए हाँ, सर बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ, फिर से एलैबोरेट कर देता हूँ। जी 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 कि जैसा मैंने आपसे बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होना, आप सबके बीच में कॉमन लाइन तैयार हो जानी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन, कि अब हमारे काम का ये तय शेड्यूल है और ये तय हमारे एक्टिविटीज है, ये सारे काम करके हमें अपनी संस्था को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जब तक आपका ये मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार नहीं होते कि आपको किस डायरेक्शन
डायरेक्शन में जाना है, कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज को करने में कौन कौन से मैन पावर का जरूरत पड़ेगा, उन एक्टिविटीज को करने में हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी आने वाली है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी का अरेंजमेंट हम कहाँ से करने वाले हैं। जब तक ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन तैयार नहीं होता तब तक आपको केवल एक ही काम करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, आपस में विचार विमर्श करने का कि हमें इसको कैसे आगे लेके जाना है। तब तक ना आप टाइम मैनेजमेंट का सोचिए, तब तक बिल्कुल, ना बिल्कुल। आप कोई दूसरे काम के बारे में सोचिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्लैरिटी लाना कि अभी आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आज कहाँ पर हैं आप, कहाँ पे आपको जाना है और वहां जाने के लिए क्या क्या काम करने हैं। पहले केवल ये तीन पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, आज कहाँ हैं आप, एक साल में आपको कहाँ पे जाना है और वहां जाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत है, कैसे जाएंगे। बस ये तीन स्टेप को सबसे पहले सोचिए, सब लोग मिलके बार बार सोचिए, बार बार डिस्कशन करिए। सर इसमें थोड़ा सा हम ये फोकस करना चाह रहे हैं कि हमने जो इसको टफ बोला वो हम अपने लिए या WECS के लिए नहीं बोले, ये टफ सिर्फ इसलिए है कि ये ब्रेन स्ट्रोमिंग करीब 5 साल से हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन स्ट्रोमिंग ही कर पाए हैं। और ये अभी जो ये मीटिंग भी जो एक्टिव दिख रहा है ये भी दिन रात का ब्रेन स्ट्रोमिंग ही है। तो ये अगर सेम आपको सर भी कह रहे हैं ममता जी कि सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोमिंग जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो आप सब करने लगे, यही है ब्रेन स्ट्रोमिंग। और अंजना जी का अगला चैट में सवाल है कि ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या है, तो दुखद बात है अंजना जी कि आप बहुत सीरियसली सुन रही हैं और मैंने ये पूछ लिया और सर ने जवाब दे दिया और आप क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं सुन पाए। तो ये सवाल हम ये एक बार फिर से सर जी रिपीट कर दिया जाए, ये रिपीट कर दिया जाए। मंथन करना है कि हमारे संस्था को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। और जो चीजें 5 साल में हो चुकी हैं वो सब बहुत अच्छा हुआ है, वो अच्छा हो के आपने फिल्टर लगा लिया है, आपके पास एकदम फिल्टर किए हुए लोग आ गए हैं। अब आप ये मान के चलिए कि मैं आपके साथ 3 से 4 मीटिंग करूंगा और ये 4 मीटिंग के बाद मैं आपके संस्था का एकदम क्लियर रोड मैप बना के आपको दे दूंगा, ये 100% कमिटमेंट है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग शायद अब देख रहे होंगे, बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 अच्छी आपने जानकारी दी। और ब्रेन स्टॉर्म जो क्वेश्चन 3-3 बार आया और हमारे प्रेसिडेंट पूछे, वो तो लगातार 5 सालों से कर रही है लगातार दिन में 5 बार नहीं, हर एक घंटे। और अभी जो तेल लगा हुआ हमको देख रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करते करते मेरा ब्रेन जवाब दे रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि हमारा साथ दें और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप लोग आए मंथन में। इस बात को एंड करने से पहले एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा जी, एग्जांपल के साथ जी। जब आप गांव में एक कमरे का घर बनाते हैं ना, तो 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तैयार हो जाता है ना जी। जब आप उसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं 4 कमरों का, तो 6 महीने लगते हैं। जब आप बंगला बनाते हैं तो 1-2 साल लगते हैं, पर जब आप ताजमहल जैसी चीजें बनाते हैं ना तो 10 साल लगते हैं। जी सर जवाब मिल गया। तो क्योंकि आप सब ताजमहल बनाना चाह रहे हैं जी जी जी, ताजमहल बनाने में तो टाइम लगता है। अब आप लोग समझिए कि 5 साल में हम नहीं समझा पा रहे हैं और सर लोग कितना मंथन किए हुए हैं कि 2 मिनट में समझ रहे हैं। और आप लोग समझिए कि कल्पना एक नॉर्मल संस्था नहीं बना रही है, ताजमहल बनाने में तो टाइम लगेगा ना, बल्कि ये भी बता दें कि ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था कि फिर दूसरा ताजमहल नहीं बने। नहीं, आप इसको समझें, प्लीज समझें, हाथ भी मेरा काटा जा रहा है, आप ये समझें ठीक है। तो ताजमहल बनाने वाले का हाथ भी काटा जाता है तो वो मिनट मिनट होता है। नहीं, एक बात इस पे हम बोलेंगे कि जब कल्पना और हम मिलकर निर्णय लिए थे WECS बनाने का,
तभी सबसे पहले उसी पे अटैक हुआ था, कल्पना पे ही अटैक हुआ था। हम और कल्पना कहीं बहुत बुरी तरीका से बता दो वो घटना बता दो। हाँ क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे और उधर सर एक मिनट ममता सर का टाइम हम लोग सर का हम लोग टाइम नहीं लेते हैं। हाँ ममता प्लीज 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 ममता वो हम लोग अपने में बात कर लेंगे आप लोग हम लोग बाद में इन लोग को बता देना वो दुर्घटना वो सब जरूर की मिनट मिनट वो बीच में रोक के मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। जी सर जी ऐसी दुर्घटना या ऐसे अटैक उन्हीं के ऊपर होते हैं जिनमें कोई बात होती है। जी सर मुझे मेरे ऊपर ऐसा कोई गतिविधि होती है तो मुझे उसमें बड़ा प्राउड बहुत आनंद आता है सर। जी सर जी सर जी सर ये सारी कायनात एक तरफ आके हमारे खिलाफ यदि खड़ी हो रही है मतलब भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है सर। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ममता भी कमजोरी में इसको नहीं बताना चाह रही है, ममता भी यही बताना चाह रही है कि वो इसकी गवाह रही है बस इसीलिए बताना चाह रही हूँ। जी मैं तो आपको पहले और मजबूत मान चुका मैडम उनके बताने से पहले ही मैं मजबूत मान चुका हूँ। जी सर यदि आपके तो, कोई साजिश कर रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। जी मनाया है जी जी सर और सर पांच साल में इतना ज्यादा ये सब हुआ कि मेरा और क्षमता बहुत गुना बढ़ गया बहुत गुना बढ़ गया तो वो हमारे लिए अच्छा करते हैं बस। आपको ना आज के पूरे सेशन की एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग बताता हूँ। जी सर देखिए जीवन में है ना बड़े काम करना सबसे सरल काम है जी पर बड़े काम के बारे में सोच लेना जिंदगी का सबसे कठिन काम है। और यदि आप सबने पांच साल से प्लान करके कुछ बड़ा सोच लिया है ना तो आप ये मान के चलिए आप जो करना चाहते हैं ना वो आप 50% कर चुके हो, आप खाली डेट डिक्लेयर होना बाकी है। जी सर इसको और एग्जांपल से कनेक्ट करके बताता हूँ जिंदगी के एग्जांपल से। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप सब जानते होंगे, अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल प्लेयर थी जिनको ट्रेन से फेंक दिया था और उनकी दोनों टांगे कट गई थी। दोनों कटी टांगों को अस्पताल में लेके वो बचंद्री पाल से मिली और बचंद्री पाल से उन्होंने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पता करना है, भगवान ने भी मुझे जिंदा बचाया है तो जिंदा बचाया है कुछ बड़ा काम करने के लिए और वो बड़ा काम करना है मुझे माउंट एवरेस्ट पता करना है मेरी इन कटी टांगों से। तो बचंद्री पाल ने उसको जवाब दिया कि बेटा तू तो माउंट एवरेस्ट पता कर चुकी है, केवल दुनिया को डेट बताना बाकी है, तू तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पता है कर चुकी है। तो जिंदगी में सबसे बड़ा काम है बड़ा काम करने का सोच लेना। आप सबने ये सोच लिया है तो वो काम 100% होने वाला है, उस काम को होने से कोई भी संसार की ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हम आज का दोनों सेशन इतना बेहतरीन था जो हमारे मनोबल को बहुत बहुत ऊपर लेके चला गया और आप सब चूंकि मतलब अपने जगह पर एक्सपर्टीज सफल हैं और अगर आप लोग के बोली में यह निकल रहा है तो यह सत्य होगा सर। और अब जो है अब हम लोग बस खड़े हो चुके हैं, अब उंगली पकड़ के चलेंगे और दौड़ना तो दौड़ तो खुद खुद ब खुद हो जाएगी सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सा विभास सर अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलेंगे, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए कि चित्रेश सर का जो सोशल मीडिया का जो एक्सपर्टीज है वो अभी तक हम लोगों ने उसको स्क्रैच भी नहीं किया है। तो एक बार स्वाति मैडम के साथ बात करके चित्रेश सर के साथ हम एक सोशल मीडिया के ऊपर आप सब लोगों के एक सेशन रखेंगे जिसमें सोशल मीडिया का क्या पावर है और सोशल मीडिया से आप क्या कर सकते हैं, इस सारी पॉसिबिलिटीज सारी संभावनाओं को एक बहुत डिटेल में समझाएंगे चित्रेश सर और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। इसके साथ आज का वक्त समाप्त करते हैं। और सर चित्रेश सर से एक चीज जानकारी हम लेना चाहेंगे चले गए सर कि सर विवेक बिंद्रा जी मिनिमम बताइएगा मिनिमम कितने भीड़ पर आ जाएंगे, मिनिमम 1,00,000 तो हम जानते हैं लेकिन मिनिमम कितने भीड़ पर आ सकते हैं। ओके मैंने आज तक उनके लिए जो भी डिजिटल प्रोग्राम किए हैं उनमें मैंने लाखों से कम आदमियों को बुलाया नहीं है। यदि लाख से कम आएंगे तो मेरी इंसल्ट होगी, मैं तो आपको अकेले तो तब कुछ दिन इंतजार करेंगे अभी सर। हाँ, लेकिन हम वो करेंगे प्रोग्राम भगवान के आशीर्वाद से मैं जी सर आपकी 1-to-1 भी मुलाकात करा सकता हूँ, पर यदि
मैं उनको उस लेवल का सम्मान नहीं दूंगा तो मेरा खुद नहीं सर, वन टू वन नहीं करना है हमको, उस वहीं पर लाना है जो लाइफ चेंज कर दे, उसी जगह पर उनको हम लाएंगे, अभी हम नहीं लाएंगे। मतलब हम काम का आपको वो आउटपुट निकलवा के देना चाहते हैं कि आपके आने वाले जो भी प्लान है वो सारे प्लान में गति मिल जाए, तो उसके लिए क्या है हमें उनके लेवल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा वो सर बस सिर्फ हम पूछ के आपसे रख रहे हैं, सिर्फ पूछ के रख रहे हैं। देखिए हमने कभी छोटे काम किए ही नहीं, और मैं आपको क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है तो मैं आपको करने भी नहीं, हम 10 लाख 50 लाख कितना ला सकते हैं उस और सोचिए आप, लाख के अंदर नहीं सोचना है, लाख के ऊपर सोच के ऊपर सोचना है। ठीक है सर, ठीक है सर, कुछ दिन इंतजार के बाद लाएंगे, बिल्कुल प्लानिंग करेंगे और एक धमाकेदार प्लानिंग करके वुमेन्स स्पेशल एक प्रोग्राम करवाएंगे सर का, जिसमें केवल महिलाओं को हम बुलाएंगे और केवल महिलाओं के लिए सर पूरा कंटेंट बना के डिलीवर करें। सर ओनली महिला का भीड़ तो कभी भी ला दें, लेकिन हम उद्यमी महिला उतना लाना चाहते हैं जो एकदम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विभास सर का, वो भी चित्रे सर को लाके हम लोगों को और एनर्जी भर दिए, और चित्रे सर का बहुत बहुत धन्यवाद सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। आज हमारा चूंकि 3 बजे खत्म करते हैं, लेकिन आज 3:26 हो चुका है और हमारी महिलाएं भी काफी इंटरेस्टेड होकर सुन रही हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार, जो अब 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे भी हो जाते हैं तो कोई नहीं बोलती है, तो यही ब्रेन स्ट्रोमिंग है और असर होने लगा है, तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार। अब हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं दिल्ली में हूँ कुछ मीटिंग्स में, 2 दिन बाद में फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद विभास जी और आप सबका जब आदेश होगा तब हम सोशल मीडिया पे प्लान कर लेंगे। जी आज रात में 9 बजे, आज रात में 9 बजे का वो हो सकेगा सर, छोटी सी मीटिंग। जी मैं विभास जी के माध्यम से आपको 8:15 के आसपास एक बार अपडेट कर दूंगा। जी जी बिल्कुल होगा, तो आज आप मैं और ममता जी और जो भी आपके सीनियर लोग, अरे वो हमारी सीईओ जो जिनके द्वारा स्वाति जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है उनको भी हम साथ ले लेंगे, तो आप अपना टाइम मैनेज कर लें सर, उसके बाद हम लोग को बता देंगे। मैं आपको 8 बजे तक अपडेट कर दूंगा। जी सर, आज नहीं तो 2 दिन बाद भी 4 दिन बाद भी, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी सर, और वो वर्क फ्रेम सर हमको दे दिया जाएगा। पक्का, वो मीटिंग के बाद मैं आपको देता हूँ। जी सर, जी सर, नमस्ते सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।